हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है डिजिप्लेक्स पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस फिल्म के ऊपर बात करने वाला हूँ, उस फिल्म का नाम है हनुमान। तो इस फिल्म को डिटेल के साथ मूवी को रिव्यू करेंगे, और इसके अलावा दोस्तों हनुमान मूवी से रिलेटेड मूवी के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा ये फिल्म आपको कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पर, कौन सा सैटेलाइट चैनल पर, किस यूट्यूब चैनल पर आप इस फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो, तो दोस्तों इसके ऊपर कंप्लीटली जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में भी। और साथ ही में फिल्म की स्टोरी, जासू हनुमान फिल्म की स्टोरी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वालों इसी वीडियो में। इसके अलावा भी इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, मूवी की प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग, और साथ ही साथ फिल्म की बजट, टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी बात की जाएगी। एंड आप मान के चलो कि ये जो वीडियो होने वाली है हनुमान फिल्म के ऊपर डेडिकेटेड डिटेल्स वीडियो है, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सो हनुमान फिल्म 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स ने। एंड इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे और तेजा सज्जा, एंड इसके अलावा आपको नजर आएंगे अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रक्कानी, विनय राय एंड वैनला किशोर, और साथ ही राज दीपक शेट्टी। एंड ये जो फिल्म है, आपको जो कहानी दिखाई गई, तो डेफिनेटली ये कहानी है फिल्म के डायरेक्टर की सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको कि नाम दिया गया है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो PVCU दिया गया है। एंड फिल्म का जो नरेशन है यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है, जो कि आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जो कि पहले से ऑलरेडी बता ही चुका, लेकिन फिल्म की स्क्रीन प्ले और यहाँ पर बात करें स्क्रीन राइटिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर को किया है स्क्रिप्ट वैली ने। एंड फिल्म की कहानी आइडिया लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया सो की निरंजन रेड्डी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी दर्शाधी शिवेंद्र की। एंड फिल्म को एडिट किया दोस्तों साई बाबू तलारी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगी गोरा हरी की। एंड इस फिल्म में जो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है, वो दिया गया है गोरा एंड हरी एंड अनुदीप देव ने। एंड इस फिल्म को दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया है, जहाँ पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे बैनर्स है, बिकॉज अलग अलग एरियाज में अलग अलग बैनर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड बैनर्स की अगर बात करें तो लाइक सबसे पहले मैत्री बूम मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो एंड ये फिल्म शक्ति फिल्म फैक्ट्री। जहाँ पर फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करिए तो दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को। फिल्म का रन टाइम है 158 मिनट एंड जिसका बजट है अराउंड 40 करोड़। हालांकि ये जो बजट है एस्टिमेटेड बजट है, हालांकि पूरी बजट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अराउंड फिल्म को 100 करोड़ के अराउंड फिल्म को बजट के साथ बनाया हुआ है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म का जो इनिशियली बजट था लाइक 40 करोड़ था, लेकिन फिल्म की लाइक जब फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था लाइक शूटिंग को, तो उसी वक्त फिल्म की लाइक बजट को यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिकॉज उसके बाद ही प्रोड्यूसर के द्वारा और भी ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा को लाइक इंक्रीज किया गया था बजट को। तो 100 करोड़ के प्लस के आसपास फिल्म का बजट है, मे बी उससे प्लस यहाँ पर कम है। एंड फिल्म की टोटल कलेक्शन की अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये एस्टिमेटेड कलेक्शन है, तो इनमें बढ़ने के भी चांसेस हैं एंड घटने के भी चांसेस हैं। एंड टोटल बजट की अगर बात करें, जो कि फिल्म ने लाइफ टाइम या फिर फिल्म की लाइफ टाइम ही कलेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज ये फिल्म सिनेमा लगी, यानी कि ये फिल्म तो थिएटर्स में तो चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि OTT पर आ चुकी है एंड रिलीज हुए ऑलमोस्ट 9 महीने लाइक होने को है। तो फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया हुआ है 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है, यानी कि 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है इस फिल्म ने। एंड बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके चलते डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो फिल्म है लाइक काफी सारी फिल्मों को ऑलरेडी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, पर कुछ इस फिल्म को सक्सेस होने के बाद काफी फिल्मों को उन्होंने ऑफिशियली चीजों को लाइक
अनाउंसमेंट किया गया था। पर इस फिल्म को रिलीज होने से पहले रूमर्स था, लेकिन जैसे जैसे मूवी सक्सेस मिले, मूवी को सक्सेस हुए, उसको देखते हुए फिल्म की लाइक इस फिल्म का तो ऑलरेडी सीक्वल को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एंड बाकी और कई सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड दोस्तों फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग मिली हुई है वो भी काफी कमाल की रेटिंग है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी की अच्छी खासी इस फिल्म को रेटिंग है। सबसे पहले फिल्म की अगर बात करें रेटिंग की IMDb रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। रोटेन टोमेटोस पर इस फिल्म की 88% लोगों ने पसंद किया है। गूगल की अगर बात करें तो दोस्तों गूगल पर भी इस फिल्म को काफी कमाल का रिस्पॉन्स मिला, जो कि 94% लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही पसंद किया है। एंड इसके साथ ही ऑडियंस के लाइक रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज भी लाइक इस फिल्म को मिली है, जो कि काफी कमाल का मिलेगा, लाइक अनस्टॉपेबल रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, लाइक काफी ज्यादा लोगों ने फिल्म को रेट किया हुआ है। एंड रेटिंग भी छोटी मोटी रेटिंग नहीं, जैसा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी हाई लेवल की रेटिंग दिया है इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से स्पेशली। सो अगर बात करें कितने लोगों ने दिया है तो डेफिनेटली कहूंगा कि 26,000 प्लस लोगों ने इस फिल्म को 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड ये जो रेटिंग या फिर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ऑडियंस है जो गूगल पर लाइक मूवी को रिव्यू करते हैं, अपने जो देखने के बाद मूवी का एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करते हैं, तो ये कोई फीड वगैरह नहीं है। एंड आप भी दे सकते हो लाइक अगर आप देना भी चाहते हो तो ये जो रिव्यूज है ऑडियंस के रिव्यूज है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। एंड दोस्तों बात करती OTT के बारे में तो सबसे पहले डबिंग की अगर बात करें, हिंदी डबिंग के ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज ये भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिल्म YouTube पर भी रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हो। एंड वैसे ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के अलावा आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो, लेकिन देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है एंड कौन से OTT पर देखोगे कौन से OTT पर नहीं देखोगे ये लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंड देखो या ना देखो ये आपके ऊपर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर है, कौन से सैटेलाइट चैनल पर है। इसके साथ ही हिंदी बैनर की अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि इस फिल्म के जो बैनर्स है, हिंदी बैनर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स थे, उनमें एक नाम था RKD स्टूडियो का। तो इससे जाहिर सी बात है अगर RKD स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को वो लोग YouTube पर भी रिलीज करेंगे बिकॉज RKD स्टूडियो का लाइक उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल है एंड ऑब्वियसली सबको ही पता है। सो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सो RKD स्टूडियो ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। जहां पर इस फिल्म की पोस्टर वगैरह पर भी आपको RKD स्टूडियो का लाइक नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के YouTube रिलीज की तो कब तक आ सकती है, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है RKD स्टूडियो के द्वारा। अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंस वगैरह किया जाते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट आप सबको सबसे लाइक देने की। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट लाइक सबसे पहले अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। सो ये कर लेना अगर आप हमारे चांसेस जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था एंड यहाँ तक की अगर बात करें फिल्म की सैटेलाइट प्रीमियर की, तो आई थिंक इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर कुछ दिन पहले किया गया था, तो आई थिंक कौन से सैटेलाइट चैनल पर किया गया था इसके बारे में नहीं पता है। लाइक किया तो गया था, इतना तो पता है मे भी किया गया था, पर इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को अगर आपको पता है कि इस फिल्म का प्रीमियर पहले से ही करवा दी गई है, अगर आपको ऐसा आपको लगता है या फिर आपने देखा है, सो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हालांकि कमेंट सेक्शन डिसेबल ही रहता है, पर अगर आप हमारे पुराने पोस्ट वगैरह लाइक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सो सैटेलाइट OTT एंड यूट्यूब और हिंदी बैनर के बारे में ऑलरेडी सभी चीजों को डिटेल के साथ बारीकी से मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अब बात करते फिल्म की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड आपको जो मेन वीडियो का लाइक मकसद है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करना एंड और भी कई सारी चीजों को डिटेल के साथ बातें करना एंड
फैक्ट्स को शेयर करना जो कि इस फिल्म से रिलेटेड है, पर कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है वीडियो के लिए। सो कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको कहानी आपको देखने को मिली है इस फिल्म में, ये कहानी हमें देखने को मिली है 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं जिसके आकर्षण के कारण दुर्घटना हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल अपने दोस्त श्री के आविष्कारों का उपयोग करके मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन उसे एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की तलाश होती है। फिल्म में हनुमान के रक्त की एक बूंद से पैदा हुआ एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है जो इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिणी भारत के समुद्र में गिर गया था। इसी रत्न में हनुमान की शक्तियां है एंड समुद्र के पास आंध्र विद्युत स्थित है जो अपने जगपति के अत्याचार के अधीन एक डाइस्टोपियन गांव है। आनंदी एक छोटा और हनुमथु स्थानीय स्कूल के प्रधान अध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी जगपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जगपति को खतरे का महसूस होता है, इसीलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उसे एक पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप में रक्षा करने वाले हनुमेतु ने घातक के विफल कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्रों में फेंक दिया गया जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है जिसे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं और हालांकि हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और हालांकि इसके बिना यह शक्ति खो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है जिससे स्थितियों पैदा होती है और जबकि वह शंकिया में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है तो जगपति उससे कुश्ती के लिए चुनौती देता है और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉर्पोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में अजन नांद्री पहुंचते हैं जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजुमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है और वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की
अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और हनुमंती माइकल को एक नकली मणि देता है जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए विफल हो गई है। फिर माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मणि लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मणि की शक्ति को स्थायी रूप से आश्वासित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है। महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहां तक जितनी भी रियल हो सके चीजों को बताया एंड काफी सारी चीजों को मैंने जानबूझकर चीजों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहां तक मेरे से सभी चीजों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड और कई सारी चीजें लाइक कहानी के अलावा भी काफी सारी चीजें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं। हालांकि सभी चीजों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है, सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राज दीपक शेट्टी, सत्या एंड जीतू श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर, इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है। हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज। हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राज दीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जयत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीति इस फिल्म
फिल्म में उनका कैमियो है, रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है। एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके ऊपर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जितना मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर बातें करेंगे, इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे। लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं, हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था, तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है, जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था, एंड देख रहे पर जो फिल्म के आइडिया लेवल था वो प्रशांत वर्मा का ही है, और जिसके कि SS राजा मौली के द्वारा एडवाइस भी लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में, एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था। इसके साथ ही साहिब एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए, एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेड्डी फिल्म में काम कर चुके थे तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की तो सिनेमाटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागो को किया गया था, एंड एक्शन सिक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवृति को किया गया था, एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था। एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि फिल्म की कास्टिंग इस फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायरोर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजा साय ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में, एंड वर्डर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी, उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी, जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म की उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29वें साल उसको एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी, एंड एक डिसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने, एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था, लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को जो कि इंक्रीज करके दिया था वैल्यू को, एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर इस फिल्म को PVCU ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स दिया हुआ। हालांकि ये फिल्म काफ़ी सक्सेस रही है तो देखते हैं आने वाले टाइम में आन की जो सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी फिल्में कैसे हिसाब से काम करती हैं, तो ये है। एंड फिल्म की दोस्तों अगर बात करें कास्टिंग की तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, पर उससे पहले फिल्मिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ बात करते हैं। हालांकि इस वीडियो के ऊपर अगर बात करें तो बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो फिल्मिंग की अगर बात करें तो उनकी जो ऑफिशियली लॉन्च रखा था 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी रखी गई थी, एंड एक मुहूर्त शॉट भी वहाँ डन किया था, पेंसिल फोटोग्राफी को डन किया था सेम डे ही। एज ऑफ अगस्त 2021 में 40% का जो फिल्मिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, एंड मूवी की जो फिल्मिंग थे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड सॉन्ग्स थे जिसको कि मरडलिनी एंड पेरोडो आंध्र प्रदेश में 2021 में किए गए थे। उसके बाद ही अराउंड 60% का फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2021 तक ही, एंड टीम के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया था टेम्परली स्टूडियो कॉल ऑफ हनुमान करके रखा था जिसको कि वेंटीगुलूपल्ली में किया गया था, जिसको कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन शॉट्स लिए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। एंड इसके साथ ही 2022 में मुंबई तेजसा ने
लाइक उन्होंने ट्रेन किया था अंडर द स्पेशल ट्रेनर के द्वारा फिटनेस एंड वो सभी चीज़ें उन्होंने किया था इस कैरेक्टर के लिए। एंड फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो 40 डेज लगे थे एंड टीम के द्वारा किया गया था एंड रामोजी फिल्म सिटी में किया गया था। एरियल क्लाइमैक्स सीन्स में फिल्माया गया था 5 डेज का रखा था एंड मूवी जो फिल्म फोटोग्राफी जिसको कि रैपअप किया था 17 अप्रैल 2023 को ही एंड फिल्मिंग एटलीस्ट 180 डेज में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई यानी कि 100 दिन में पूरी फिल्म की लाइक काम करने के बाद ही पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई है इस फिल्म की। एंड फिल्म की दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था पोस्ट लाइक डबिंग का जो प्रोग्रेस है उसको किया गया था ड्यूरिंग अप्रैल 2022 में ही। तेजस ने डबिंग किया था अपने लाइक उन कैरेक्टर लाइक उनके पोर्शन का जो कैरेक्टर था उन्होंने किया था। इसके साथ ही हेलिस स्टूडियो हैदराबाद में फिल्म की किया था एंड फिल्म की जो प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो में था जिसको कि एक्सटेंडेड वर्क ऑफ द विजुअल इफेक्ट के तौर पर रखा था एंड मोर देन ईयर्स लगे थे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड VFX डन किया था उदरनीय पुनर्नल के द्वारा एंड फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है आंध्री थीम के द्वारा किया गया था और स्टोरी बोर्डेड के द्वारा किया गया जिसमें कि 2D में किया था एंड जिसको कि इंस्पायर लिया गया था बाहुबली 2 कंकन के द्वारा जिन्होंने टीम ने भी डिसाइड दिया था 3D फिट लाइक उसको करने में एनिमेशन को करने में। तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। प्रीविजुअल्स मीटिंग पेंटिंग 3D ये आर्ट्स लाइक GPT काफ़ी सारी चीज़ों को लेवल पोस्ट वगैरह को यूज़ किया गया था स्पेशली डिजाइंस के लिए एंड स्पेशली फिल्म की जो अगर बात करें स्पेशल इफेक्ट की जिन्होंने प्रोवाइड किया था रघुनाथ ने एंड कलर ग्रेडिंग किया गया था लाइक स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर में ही विच इज डन किया था शिवा कुमार BVR ने एंड मूवी की जो फिनिशिंग वर्क है जिसको कि परफॉर्म किया था एनर अराउंड एंड विजन ने एंड अन्नपूर्णा स्टूडियो में जो कि कलराइज किया था श्विंत के द्वारा मिक्सिंग किया था मिक्सिंग भी स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2023 में डॉल्बी मिक्सिंग किया था एक्स्ट्रा राधा कृष्णा के द्वारा एंड मूवी की अगर बात करें फाइनल कॉपी की तो रेडी किया था 2023 में एंड सबमिट किया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यानी कि CBFC को उसी मंथ ही एंड 29 दिसंबर 2023 में रिसीव हुआ था US सर्टिफिकेशन जो कि सेंसर बोर्ड ने फाइनल जो रन टाइम दिया था 158 मिनट का। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की जिसके बारे में आप सभी को बता दें उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि OTT के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एंड सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स की तो G5 एंड Zee नेटवर्क ने खरीदा था एंड इसकी जो पोस्ट थ्रेटिक रिलीज डेट है लाइक 35 करोड़ में बेचे गए थे एंड प्रीमियर जो जिस G5 पर हुआ था 6 मार्च 2024 को। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को प्रीमियर किया गया था Zee सिनेमा पर एंड सैटेलाइट चैनल पर भी प्रीमियर किया गया था कलर सिनेप्लेक्स के सैटेलाइट चैनल पर और मलयालम एंड तमिल एंड कनाडा वर्जन को शेड्यूल किया हुआ प्रीमियर किया था 5 अप्रैल 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो काफी सारे अलग अलग बैनर्स के द्वारा लाइक अलग अलग सॉरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया हुआ एंड फिल्म की रोटेन टमाटोज की अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर तो बात कर लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी फिल्म का सीक्वल वगैरह के बारे में बात तो कर ही लिया कि फिल्म का सक्सेस को देखते ऑलरेडी फिल्म के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का सीक्वल को अनाउंसमेंट कर दिया है इसमें नो डाउट इसमें कोई शक करने वाली बात तो है नहीं। एंड साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट के तो नो डाउट प्रशांत वर्मा का स्टोरी डायरेक्शन काफी सारी चीजें वर्क किया है जिसके चलते वो आपको स्क्रीन पर और साथ ही वो कलेक्शन में ही भी आपको नजर आ ही जाता है पॉपुलैरिटी ऑडियंस के ऑलमोस्ट रिव्यू वगैरह मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ एंड सिनेमाटोग्राफी दिया हुआ है लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजों को तारीफ की है बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर भी लोगों ने तारीफें की है परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों ने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। तो ऑलमोस्ट फिल्म के ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म को पसंद आया एंड फिल्म ने कुछ अपने नाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जैसे कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म एंड साउथ इंडियन फिल्म ऑफ 2004 का इन्होंने अपना रिकॉर्ड नाम किया अपने नाम ही एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया एंड 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम में भी ये फिल्म अपना रिकॉर्ड करने में
कामयाब हुआ है इस फिल्म ने। तो नो डाउट फिल्म ने काफी सारे लाइक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। सो लेट्स सी, लोग वेट कर रहे हैं इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर, वेट कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर, वेट कर रहे हैं कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है। तो चीज़ों को लेकर ऑडियंस तो लाइक एक्सपेक्टेशन ही है, जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आया था, सभी चीज़ें पसंद आए थे उसके बाद ही था। एंड साथ इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा फिल्म की बजट को लाइक रिवील ही नहीं किया गया था, क्योंकि इसके पीछे रीजन एक ही था कि आपको पता कि इतनी बजट में लाइक जब इनिशियली बनाया था 40 करोड़ ही बजट सुनने में आ रहा था, यही था। लेकिन इससे पहले फिल्म आई थी आदि पुरुष, तो 600 करोड़ बजट था, जिस हिसाब से फिल्म के अंदर VFX का वर्क किया गया था, CG वगैरह क्रिएट किया गया था, तो जिससे कि लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि अगर 600 करोड़ फिल्म में अगर लगाए कहाँ लगाए गए, लाइक VFX के चलते लोगों ने लाइक बातें की तो आपको पता ही है। तो जिसके चलते इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा किया गया था कि बजट को ऑफिशियली लाइक अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया था, लेकिन सक्सेस होने के बाद फिल्म के बजट वगैरह को उन्होंने बताया हुआ था। तो ये था इसके फिल्म के बारे में टोटल डिटेल्स एंड सभी चीज़ों डिटेल्स के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जी हाँ, सो हनुमान फिल्म 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स ने। एंड इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे और तेजा सज्जा, एंड इसके अलावा आपको नजर आएंगे अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रक्कानी, विनय राय एंड वैनला किशोर, और साथ ही राज दीपक शेट्टी। एंड ये जो फिल्म है, आपको जो कहानी दिखाई गई, तो डेफिनेटली ये कहानी है फिल्म के डायरेक्टर की सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको कि नाम दिया गया है प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो PVCU दिया गया है। एंड फिल्म का जो नरेशन है यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है, जो कि आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जो कि पहले से ऑलरेडी बता ही चुका, लेकिन फिल्म की स्क्रीन प्ले और यहाँ पर बात करें स्क्रीन राइटिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको किया है स्क्रिप्ट वैली ने। एंड फिल्म की कहानी आइडिया लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया सो की निरंजन रेड्डी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी दर्शाधी शिवेंद्र की। एंड फिल्म को एडिट किया दोस्तों साई बाबू तलारी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगी हरा हरी की, यानी गोरा हरी की। एंड इस फिल्म में जो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है वो दिया गया है गोरा एंड हरी एंड अनुदीप देव ने। एंड इस फिल्म को दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया, जहां पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे बैनर्स है, बिकॉज अलग अलग एरियाज में अलग अलग बैनर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड बैनर्स की अगर बात करें तो लाइक सबसे पहले मैत्री बूम मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो एंड ये फिल्म शक्ति फिल्म फैक्ट्री, जहां पर फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को। फिल्म का रन टाइम है 158 मिनट एंड जिसका बजट है अराउंड 40 करोड़। हालांकि ये जो बजट है एस्टिमेटेड बजट है, हालांकि पूरी बजट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अराउंड फिल्म को 100 करोड़ के अराउंड फिल्म को बजट के साथ बनाया हुआ है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म का जो इनिशियली बजट था लाइक 40 करोड़ था, लेकिन फिल्म की लाइक जब फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था लाइक शूटिंग को, तो उसी वक्त फिल्म की लाइक बजट को यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिकॉज उसके बाद ही प्रोड्यूसर के द्वारा और भी ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा को लाइक इंक्रीज किया गया था बजट को। तो 100 करोड़ के प्लस के आसपास फिल्म का बजट है, मे बी उससे प्लस यहाँ पर कम है। एंड फिल्म की टोटल कलेक्शन की अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये एस्टिमेटेड कलेक्शन है, तो इनमें बढ़ने के भी चांसेस हैं एंड घटने के भी चांसेस हैं। एंड टोटल बजट की अगर बात करें, जो कि फिल्म ने लाइफ टाइम या फिर फिल्म की लाइफ टाइम ही कलेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज ये फिल्म सिनेमा लगी, यानी कि ये फिल्म तो थिएटर्स में तो चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि OTT पर आ चुकी है एंड रिलीज हुए ऑलमोस्ट 9 महीने लाइक होने को है। तो फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया हुआ है 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है, यानी कि 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है इस फिल्म ने। एंड बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके चलते डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो फिल्म है लाइक काफी सारी फिल्मों को ऑलरेडी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, पर कुछ इस फिल्म को सक्सेस होने के बाद काफी फिल्मों को उन्होंने ऑफिशियली चीजों को लाइक
अनाउंसमेंट किया गया था। पर इस फिल्म को रिलीज होने से पहले रूमर्स था, लेकिन जैसे जैसे मूवी सक्सेस मिले, मूवी को सक्सेस हुए, उसको देखते हुए फिल्म की लाइक इस फिल्म का तो ऑलरेडी सीक्वल को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एंड बाकी और कई सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड दोस्तों फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग मिली हुई है वो भी काफी कमाल की रेटिंग है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी की अच्छी खासी इस फिल्म को रेटिंग है। सबसे पहले फिल्म की अगर बात करें रेटिंग की IMDb रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। रोटेन टोमेटोस पर इस फिल्म की 88% लोगों ने पसंद किया है। गूगल की अगर बात करें तो दोस्तों गूगल पर भी इस फिल्म को काफी कमाल का रिस्पॉन्स मिला, जो कि 94% लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही पसंद किया है। एंड इसके साथ ही ऑडियंस के लाइक रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज भी लाइक इस फिल्म को मिली है, जो कि काफी कमाल का मिलेगा, लाइक अनस्टॉपेबल रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, लाइक काफी ज्यादा लोगों ने फिल्म को रेट किया हुआ है। एंड रेटिंग भी छोटी मोटी रेटिंग नहीं, जैसा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी हाई लेवल की रेटिंग दिया है इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से स्पेशली। सो अगर बात करें कितने लोगों ने दिया है तो डेफिनेटली कहूंगा कि 26,000 प्लस लोगों ने इस फिल्म को 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड ये जो रेटिंग या फिर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ऑडियंस है जो गूगल पर लाइक मूवी को रिव्यू करते हैं, अपने जो देखने के बाद मूवी का एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करते हैं, तो ये कोई फीड वगैरह नहीं है। एंड आप भी दे सकते हो लाइक अगर आप देना भी चाहते हो, तो ये जो रिव्यूज है ऑडियंस के रिव्यूज है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। एंड दोस्तों बात करती OTT के बारे में, तो सबसे पहले डबिंग की अगर बात करें, हिंदी डबिंग के ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज ये भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिल्म यूट्यूब पर भी रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हो। एंड वैसे ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के अलावा आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो, लेकिन देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है एंड कौन से OTT पर देखोगे कौन से OTT पर नहीं देखोगे ये लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंड देखो या ना देखो ये आपके ऊपर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर है, कौन से सैटेलाइट चैनल पर है। इसके साथ ही हिंदी बैनर की अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि इस फिल्म के जो बैनर्स है, हिंदी बैनर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स थे, उनमें एक नाम था RKD स्टूडियो का। तो इससे जाहिर सी बात है अगर RKD स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को वो लोग YouTube पर भी रिलीज करेंगे बिकॉज RKD स्टूडियो का लाइक उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल है एंड ऑब्वियसली सबको ही पता है। सो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सो RKD स्टूडियो ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। जहां पर इस फिल्म की पोस्टर वगैरह पर भी आपको RKD स्टूडियो का लाइक नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के YouTube रिलीज की तो कब तक आ सकती है, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है RKD स्टूडियो के द्वारा। अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंस वगैरह किया जाते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट आप सबको सबसे लाइक देने की। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट लाइक सबसे पहले अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। सो ये कर लेना अगर आप हमारे चांसेस जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था एंड यहाँ तक की अगर बात करें फिल्म की सैटेलाइट प्रीमियर की, तो आई थिंक इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर कुछ दिन पहले किया गया था, तो आई थिंक कौन से सैटेलाइट चैनल पर किया गया था इसके बारे में नहीं पता है। लाइक किया तो गया था, इतना तो पता है मे भी किया गया था, पर इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को अगर आपको पता है कि इस फिल्म का प्रीमियर पहले से ही करवा दी गई है, अगर आपको ऐसा आपको लगता है या फिर आपने देखा है, सो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हालांकि कमेंट सेक्शन डिसेबल ही रहता है, पर अगर आप हमारे पुराने पोस्ट वगैरह लाइक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सो सैटेलाइट OTT एंड यूट्यूब और हिंदी बैनर के बारे में ऑलरेडी सभी चीजों को डिटेल के साथ बारीकी से मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अब बात करते फिल्म की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड आपको जो मेन वीडियो का लाइक मकसद है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करना एंड और भी कई सारी चीजों को डिटेल के साथ बातें करना एंड
फैक्ट्स को शेयर करना जो कि इस फिल्म से रिलेटेड है, पर कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है वीडियो के लिए। सो कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको कहानी आपको देखने को मिली है इस फिल्म में, ये कहानी हमें देखने को मिली है 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं जिसके आकर्षण के कारण दुर्घटना हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल अपने दोस्त श्री के आविष्कारों का उपयोग करके मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन उसे एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की तलाश होती है। फिल्म में हनुमान के रक्त की एक बूंद से पैदा हुआ एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है जो इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिणी भारत के समुद्र में गिर गया था। इसी रत्न में हनुमान की शक्तियां है एंड समुद्र के पास आंध्र विद्युत स्थित है जो अपने जगपति के अत्याचार के अधीन एक डाइस्टोपियन गांव है। आनंदी एक छोटा और हनुमुथु स्थानीय स्कूल के प्रधान अध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी जगपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जगपति को खतरे का महसूस होता है, इसीलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उसे एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप में रक्षा करने वाले हनुमेतु ने घातक के विफल कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्रों में फेंक दिया गया जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है जिसे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं और हालांकि हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और हालांकि इसके बिना यह शक्ति खो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है जिससे स्थितियों पैदा होती है और जबकि वह शंकिया में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है तो जगपति उससे कुश्ती के लिए चुनौती देता है और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉर्पोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में अजन नांद्री पहुंचते हैं जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजुमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की
अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और हनुमंती माइकल को एक नकली मणि देता है जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए विफल हो गई है। फिर माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मणि लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मणि की शक्ति को स्थायी रूप से आश्वासित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है। महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहां तक जितनी भी रियल हो सके चीजों को बताया एंड काफी सारी चीजों को मैंने जानबूझकर चीजों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहां तक मेरे से सभी चीजों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड और कई सारी चीजें लाइक कहानी के अलावा भी काफी सारी चीजें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं। हालांकि सभी चीजों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है, सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी, शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राजदीपक शेट्टी, सत्या एंड जेतु श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है। हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज। हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राजदीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जेत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म में मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीथी इस फिल्म में उनका कैमियो और रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके पर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी
चीज़ें हैं जो कि उसके बारे में बात नहीं करूँगा, जितना मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर बातें करेंगे, इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे। लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं, हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था, तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं, तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है, जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था, एंड देख रहे पर जो फिल्म के आइडिया लेवल थे वो प्रशांत वर्मा का ही है, और जिसके कि SS राजा मौली के द्वारा एडवाइस भी लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में, एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था। इसके साथ ही साहिब एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए, एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेडी फिल्म में काम कर चुके थे, तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की, तो सिनेमेटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागो को किया गया था, एंड एक्शन सिक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवृति को किया गया था, एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था। एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि फिल्म की कास्टिंग फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था, जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजा साय ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में, एंड वाटर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी, उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था, एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी, जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29 मई 2021 को, एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी, एंड एक डिसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर, तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने, एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था, लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को, जो कि इंक्रीज करके दिया था वैल्यू को, एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर इस फिल्म को PVCU ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स दिया हुआ। हालांकि ये फिल्म काफ़ी सक्सेस रही है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में आन की जो सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी फिल्में कैसे हिसाब से काम करती हैं, तो ये है। एंड फिल्म की दोस्तों अगर बात करें कास्टिंग की, तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, पर उससे पहले फिल्मिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ बात करते हैं, हालांकि इस वीडियो के ऊपर अगर बात करें तो बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो फिल्मिंग की अगर बात करें तो उनकी जो ऑफिशियली लॉन्च रखा था 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी रखी गई थी, एंड एक मुहूर्त शॉट भी वहाँ डन किया था, पेंसिल फोटोग्राफी को डन किया था सेम डे ही। एज ऑफ अगस्त 2021 में 40% का जो फिल्मिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, एंड मूवी की जो फिल्मिंग थे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड सॉन्ग्स थे जिसको कि मरडलिनी एंड पेरोडो आंध्र प्रदेश में 2021 में किए गए थे। उसके बाद ही अराउंड 60% का फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका था 2021 तक ही, एंड टीम के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया था टेम्परली स्टूडियो कॉल ऑफ हनुमान करके रखा था, जिसको कि वेंटीगुलूपल्ली में किया गया था, जिसको कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन शॉट्स लिए गए थे, जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। एंड इसके साथ ही 2022 में मुंबई तेजसा ने उन्होंने ट्रेन किया था अंडर द स्पेशल ट्रेनर के द्वारा फिटनेस, एंड वो सभी चीज़ें उन्होंने किया था इस कैरेक्टर के लिए। एंड फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो 40 डेज लगे थे, एंड टीम के द्वारा किया गया था, एंड रामोजी फिल्म सिटी में किया गया था, एरियल क्लाइमैक्स सीन्स में फिल्माया गया था, 5 डेज का रखा था, एंड मूवी जो पेंसिल फोटोग्राफी जिसको कि रैपअप किया था 17 अप्रैल 2023 को ही, एंड फिल्मिंग एटलीस्ट 180 डेज में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई, यानी कि 100 दिन में पूरी फिल्म की
काम करने के बाद ही पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई है इस फिल्म की। एंड फिल्म की दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था, पोस्ट लेकर डबिंग का जो प्रोग्रेस है उसको किया गया था ड्यूरिंग अप्रैल 2022 में ही। तेजस ने डबिंग किया था अपने उनके पोर्शन का जो कैरेक्टर था उन्होंने किया था। इसके साथ ही हेलिस स्टूडियो हैदराबाद में फिल्म की किया था। फिल्म की जो प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो में था जिसको कि एक्सटेंडेड वर्क ऑफ द विजुअल इफेक्ट के तौर पर रखा था। मोर देन ईयर्स लगे थे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में। एंड वीएफएक्स डन किया था उदरनीय पुनर्नल के द्वारा। एंड फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है आंध्री थीम के द्वारा किया था और स्टोरी बोर्डेड के द्वारा किया गया जिसमें कि टू डे में किया था। एंड जिसको कि इंस्पायर लिया गया था बाहुबली 2 कंकन के द्वारा जिन्होंने टीम ने भी डिसाइड किया था 3D फिट लाइक उसको करने में एनिमेशन को करने में। तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की अगर बात करें तो काफी बढ़िया है। प्रीविजुअल्स मीटिंग पेंटिंग 3D ये आर्ट्स लाइक GPT काफी सारी चीजों को लेवल पोस्ट वगैरह को यूज किए गए थे स्पेशली डिजाइन के लिए। एंड स्पेशली फिल्म की जो अगर बात करें स्पेशल इफेक्ट की जिन्होंने प्रोवाइड किया था रघुनाथ ने। एंड कलर ग्रेडिंग किया गया था लाइक स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर में ही विच इज डन किया था शिवा कुमार BVR ने। एंड मूवी की जो फिनिशिंग वर्क है जिसको कि परफॉर्म किया था एनआर अराउंड एंड विजन ने। एंड अन्नपूर्णा स्टूडियो में जो कि कलराइज किया था श्विंत के द्वारा मिक्सिंग किया था। मिक्सिंग भी स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2023 में। डॉल्बी मिक्सिंग किया था एक्स्ट्रा राधा कृष्णा के द्वारा। एंड मूवी की अगर बात करें फाइनल कॉपी की तो रेडी किया था 2023 में। एंड सबमिट किया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यानी कि CBFC को उसी मंथ ही। एंड 29 दिसंबर 2023 में रिसीव हुआ था US सर्टिफिकेशन जो कि सेंसर बोर्ड ने फाइनल जो रन टाइम दिया था 158 मिनट का। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की जिसके बारे में आप सभी को बता दें उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि OTT के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एंड सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स की तो G5 एंड Zee नेटवर्क ने खरीदा था। एंड इसकी जो पोस्ट थ्रेटिक रिलीज डेट है लाइक 35 करोड़ में बेचे गए थे। एंड प्रीमियर जो जिस G5 पर हुआ था 6 मार्च 2024 को। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को प्रीमियर किया गया था Zee सिनेमा पर एंड सैटेलाइट चैनल पर भी प्रीमियर किया गया था कलर्स सिनेप्लेक्स के सैटेलाइट चैनल पर। और मलयालम एंड तमिल एंड कनाडा वर्जन को शेड्यूल किया हुआ प्रीमियर किया था 5 अप्रैल 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो काफी सारे अलग अलग बैनर्स के द्वारा लाइक अलग अलग सॉरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया हुआ। एंड फिल्म की रोटेन टमाटोज की अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर तो बात कर लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी फिल्म का सीक्वल वगैरह के बारे में बात तो कर लिया कि फिल्म का सक्सेस को देखते ऑलरेडी फिल्म के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का सीक्वल को अनाउंसमेंट कर दिया है। इसमें नो डाउट इसमें कोई शक करने वाली बात तो है नहीं। एंड साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट के तो नो डाउट प्रशांत वर्मा का स्टोरी डायरेक्शन काफी सारी चीजें वर्क किया है जिसके चलते वो आपको स्क्रीन पर और साथ ही वो कलेक्शन में ही भी आपको नजर आ ही जाता है। पॉपुलैरिटी ऑडियंस के ऑलमोस्ट रिव्यू वगैरह मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। एंड सिनेमाटोग्राफी दिया हुआ है लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजों को तारीफ की है। बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर भी लोगों ने तारीफें की है। परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों ने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। तो ऑलमोस्ट फिल्म के ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म को पसंद आया। एंड फिल्म ने कुछ अपने नाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जैसे कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म एंड साउथ इंडियन फिल्म ऑफ 2004 का इन्होंने अपना रिकॉर्ड नाम किया अपने नाम ही। एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया। एंड 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम में भी ये फिल्म अपना रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ है इस फिल्म ने। तो नो डाउट फिल्म ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। सो लेट्स सी लोग वेट कर रहे हैं इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर वेट कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर वेट कर रहे हैं कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है। तो चीज़ों को लेकर ऑडियंस तो एक्सपेक्टेशन ही है जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आया था सभी चीज़ें पसंद आए थे उसके बाद ही था। एंड साथ ही इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा फिल्म की बजट को रिवील ही नहीं किया गया था क्योंकि इसके पीछे रीजन एक ही था कि आपको पता कि इतनी बजट में जब इनिशियली बनाया था 40 करोड़ ही बजट सुनने में आ रहा था यही था। लेकिन इससे पहले फिल्म आई थी आदि पुरुष तो 600 करोड़ बजट था जिस हिसाब से फिल्म के अंदर VFX का वर्क किया गया था CG वगैरह क्रिएट किया गया था तो जिससे कि लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि अगर 600 करोड़ फिल्म में अगर लगाए कहाँ लगाए गए VFX को चलते लोगों ने
बातें की तो आपको पता ही है। तो जिसके चलते इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा किया गया था कि बजट को ऑफिशियली लाइक अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया था, लेकिन सक्सेस होने के बाद फिल्म की बजट वगैरह को उन्होंने बताया हुआ था। तो ये था इसके फिल्म के बारे में टोटल डिटेल्स एंड सभी चीज़ों डिटेल्स के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जी हाँ, सो हनुमान फिल्म 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जिसको कि प्रोड्यूस किया दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स ने। एंड इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे और तेजा सज्जा, एंड इसके अलावा आपको नजर आएंगे अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रकानी, विनय राय एंड वैनला किशोर, और साथ ही राज्य दीपक सेट्टी। एंड ये जो फिल्म है, आपको जो कहानी दिखाई गई, तो डेफिनेटली ये कहानी है फिल्म के डायरेक्टर की सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको कि नाम दिया गया प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो PVCU दिया गया है। एंड फिल्म का जो नरेशन है यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है, जो कि आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जो कि पहले से ऑलरेडी बता ही चुका, लेकिन फिल्म की स्क्रीन प्ले और यहाँ पर बात करें स्क्रीन राइटिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको किया है स्क्रिप्ट वैली ने। एंड फिल्म की कहानी आइडिया लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया सो की निरंजन रेड्डी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी दर्शाधी शिवेंद्र की। एंड फिल्म को एडिट किया दोस्तों साई बाबू तलारी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगी हरा हरी की, यानी गोरा हरी की। एंड इस फिल्म में जो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है वो दिया गया है गोरा एंड हरी एंड अनुदीप देव ने। एंड इस फिल्म को दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया है, जहाँ पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे बैनर्स है, बिकॉज अलग अलग एरियाज में अलग अलग बैनर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड बैनर्स की अगर बात करें तो लाइक सबसे पहले मैत्री बूम मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो एंड ये फिल्म, शक्ति फिल्म फैक्ट्री। जहाँ पर फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करें तो दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को। फिल्म का रन टाइम है 158 मिनट एंड जिसका बजट है अराउंड 40 करोड़। हालांकि ये जो बजट है एस्टिमेटेड बजट है, हालांकि पूरी बजट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अराउंड फिल्म को 100 करोड़ के अराउंड फिल्म को बजट के साथ बनाया हुआ है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म का जो इनिशियली बजट था लाइक 40 करोड़ था, लेकिन फिल्म की लाइक जब फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था लाइक शूटिंग को, तो उसी वक्त फिल्म की लाइक बजट को यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिकॉज उसके बाद ही प्रोड्यूसर के द्वारा और भी ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा को लाइक इंक्रीज किया गया था बजट को। तो 100 करोड़ के प्लस के आसपास फिल्म का बजट है, मे बी उससे प्लस यहाँ पर कम है। एंड फिल्म की टोटल कलेक्शन की अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये एस्टिमेटेड कलेक्शन है, तो इनमें बढ़ने के भी चांसेस हैं एंड घटने के भी चांसेस हैं। एंड टोटल बजट की अगर बात करें, जो कि फिल्म ने लाइफ टाइम या फिर फिल्म की लाइफ टाइम ही कलेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज ये फिल्म सिनेमा लगी, यानी कि ये फिल्म तो थिएटर्स में तो चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि OTT पर आ चुकी है एंड रिलीज हुए ऑलमोस्ट 9 महीने लाइक होने को है। तो फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया हुआ है 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है, यानी कि 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है इस फिल्म ने। एंड बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके चलते डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो फिल्म है लाइक काफी सारी फिल्मों को ऑलरेडी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, पर कुछ इस फिल्म को सक्सेस होने के बाद काफी फिल्मों को उन्होंने ऑफिशियली चीजों को लाइक अनाउंसमेंट किया गया था। पर इस फिल्म को रिलीज होने से पहले रूमर्स था, लेकिन जैसे जैसे मूवी सक्सेस मिले, मूवी को सक्सेस हुई उसको देखते हुए फिल्म की लाइक इस फिल्म का तो ऑलरेडी सीक्वल को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एंड बाकी और कई सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड दोस्तों फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग मिली हुई है वो भी काफी कमाल की रेटिंग है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी की अच्छी खासी इस फिल्म को रेटिंग है। सबसे पहले फिल्म की अगर बात रेटिंग की IMDb रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। रूटेन टमाटर्स पर इस फिल्म की 88% लोगों ने पसंद किया है। गूगल की अगर बात करें तो दोस्तों गूगल पर भी इस फिल्म को काफी कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि 94% लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही पसंद किया है। एंड इसके साथ ही ऑडियंस के लाइक रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज भी लाइक इस फिल्म को मिली है, जो कि काफी कमाल का मिलेगा, लाइक अनस्टॉपेबल रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं, लाइक काफी ज्यादा लोगों ने
फिल्म को रेट किया हुआ है, एंड रेटिंग भी छोटी मोटी रेटिंग नहीं, जैसा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी हाई लेवल की रेटिंग दिया है इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से स्पेशली। सो अगर बात करें कितने लोगों ने दिया, तो डेफिनेटली कहूंगा कि 26,000 प्लस लोगों ने इस फिल्म को 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड ये जो रेटिंग या फिर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ऑडियंस है जो गूगल पर लाइक मूवी को रिव्यू करते हैं, अपने जो देखने के बाद मूवी का एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ये कोई फीड वगैरह नहीं है, एंड आप भी दे सकते हो लाइक अगर आप देना भी चाहते हो। तो ये जो रिव्यूज है ऑडियंस के रिव्यूज है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। एंड दोस्तों बात करती OTT के बारे में, तो सबसे पहले डबिंग की अगर बात करें, हिंदी डबिंग के ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज ये भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिल्म यूट्यूब पर भी रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हो। एंड वैसे ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के अलावा आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो, लेकिन देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है एंड कौन से OTT पर देखोगे कौन से OTT पर नहीं देखोगे ये लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंड देखो या ना देखो, ये आपके ऊपर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर है, कौन से सैटेलाइट चैनल पर है। इसके साथ ही हिंदी बैनर की अगर बात करें, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि इस फिल्म के जो बैनर्स है, हिंदी बैनर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स थे, उनमें एक नाम था RKD स्टूडियो का। तो इससे जाहिर सी बात है अगर RKD स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को वो लोग YouTube पर भी रिलीज करेंगे बिकॉज RKD स्टूडियो का लाइक उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल है, ऑब्वियसली सबको ही पता है। सो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सो RKD स्टूडियो ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। जहां पर इस फिल्म की पोस्टर वगैरह पर भी आपको RKD स्टूडियो का लाइक नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के यूट्यूब रिलीज की, तो कब तक आ सकती है, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है RKD स्टूडियो के द्वारा। अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंस वगैरह किया जाते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट आप सबको सबसे लाइक देने की। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट लाइक सबसे पहले अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। सो ये कर लेना अगर आप हमारे चांसेस जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था एंड यहाँ तक की अगर बात करें फिल्म की सैटेलाइट प्रीमियर की, तो आई थिंक इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर कुछ दिन पहले किया गया था। तो आई थिंक कौन से सैटेलाइट चैनल पर किया गया था इसके बारे में नहीं पता है, लाइक किया तो गया था इतना तो पता है, मे भी किया गया था, पर इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को अगर आपको पता है कि इस फिल्म का प्रीमियर पहले से ही करवा दी गई है, अगर आपको ऐसा आपको लगता है या फिर आपने देखा है, सो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हालांकि कमेंट सेक्शन डिसेबल ही रहता है, पर अगर आप हमारे पुराने पोस्ट वगैरह लाइक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सो सैटेलाइट OTT एंड यूट्यूब और हिंदी बैनर के बारे में ऑलरेडी सभी चीजों को डिटेल के साथ बारीकी से मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अब बात करते फिल्म की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड आपको जो मेन वीडियो का लाइक मकसद है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करना एंड और भी कई सारी चीजों को डिटेल के साथ बातें करना एंड फैक्ट्स को शेयर करना जो कि इस फिल्म से रिलेटेड है, पर कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है वीडियो के लिए। सो कहानी के ऊपर बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो आपको कहानी आपको देखने को मिली है इस फिल्म में, ये कहानी हमें देखने को मिली है 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं जिसके आकर्षण के कारण दुर्घटना हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल अपने दोस्त श्री के आविष्कारों का उपयोग करके मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन उसे एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की तलाश होती है। फिल्म में हनुमान के रक्त
की एक बूंद से पैदा हुआ एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है, जो इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिणी भारत के समुद्र में गिर गया था। इसी रत्न में हनुमान की शक्तियां है एंड समुद्र के पास आंध्र विद्रित स्थित है, जो अपने जगपति के अत्याचार के अधीन एक डायस्टोपियन गांव है। आनंदी एक छोटा और हनुमथु स्थानीय स्कूल के प्रधान अध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी जगपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जगपति को खतरे का महसूस होता है, इसीलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उसे एक पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप में रक्षा करने वाले हनुमेतु ने घातक के विफल कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्रों में फेंक दिया गया, जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। और हालांकि हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, और हालांकि इसके बिना यह शक्ति खो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है, जिससे स्थितियों पैदा होती है, और जबकि वह शंकिया में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है, तो जगपति उससे खुशती के लिए चुनौती देता है और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है। और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉर्पोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में आनंद अजन नांद्री पहुंचते हैं, जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है। और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजुमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है। जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजुमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और माइकल को एक नकली मणि देता है, जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजुमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजुमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए
विफल हो गई है। फिर माइकल गाओ में जहरीला धुआं छोड़ता है जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मणि लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मणि की शक्ति को स्थायी रूप से आश्वासित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है। महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहाँ तक जितनी भी रियल हो सके चीज़ों को बताया एंड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जानबूझकर चीज़ों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हुआ सभी चीज़ों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड और कई सारी चीज़ें लाइक कहानी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं। हालांकि सभी चीज़ों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है, सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी, शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राज दीपक शेट्टी, शत्या एंड जीतू श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर, इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है। हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज। हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राजदीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या आप इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जयत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म में मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीथी इस फिल्म में उनका कैमियो और रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है। एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके ऊपर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जितना लाइक मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में लाइक किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर लाइक बातें करेंगे इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे, लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था
एंड लाइक देख रहे पर जो फिल्म की आइडिया लेवल थे वो प्रशांत वर्मा का ही है, और जिसके कि एस एस राजा मौली के द्वारा लाइक एडवाइस भी दिया लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में, एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था। इसके साथ ही साइबोर एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए, एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेड्डी फिल्म में काम कर चुके थे तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की तो सिनेमाटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागी को किया गया था, एंड एक्शन सिक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवृति को किया गया था, एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था। एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ जिसको कि फिल्म की कास्टिंग फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायरोर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजसा ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में, एंड वाटर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी, जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म की उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29 मई 2021 को एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है लाइक सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी, एंड एक डिसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने, एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था, लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को जो कि इंक्रीज करके लाइक दिया था वैल्यू को, एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर इस फिल्म को PVCU ऑलरेडी बता चुका है कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स दिया हुआ। हालांकि ये फिल्म काफ़ी सक्सेस रही है तो देखते हैं आने वाले टाइम में आन की जो सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी फिल्में कैसे हिसाब से काम करती हैं तो ये है। एंड फिल्म की दोस्तों अगर बात करें कास्टिंग की तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, पर उससे पहले फिल्मिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ बात करते हैं। हालांकि इस वीडियो के ऊपर अगर बात करें तो लाइक बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो फिल्मिंग की अगर बात करें तो उनकी जो ऑफिशियली लॉन्च रखा था 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी रखी गई थी, एंड एक मुहूर्त शॉट भी वहाँ डन किया था, पेंसिल फोटोग्राफी को डन किया था सेम डे ही। एज ऑफ अगस्त 2021 में 40% का जो फिल्मिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, एंड मूवी की जो फिल्मिंग थे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड सॉन्ग्स थे जिसको कि मरडलिनी एंड पेरोडो आंध्र प्रदेश में 2021 में किए गए थे। उसके बाद ही अराउंड 60% का फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2021 तक ही, एंड टीम के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया था टेम्परली लाइक स्टूडियो कॉल ऑफ हनुमान करके रखा था जिसको कि वेंटीगुलूपल्ली में किया गया था, जिसको कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन शॉट्स लिए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। एंड इसके साथ ही 2022 में मुंबई तेजसा ने लाइक उन्होंने ट्रेन किया था अंडर द स्पेशल ट्रेनर के द्वारा फिटनेस एंड वो सभी चीज़ें उन्होंने किया था इस कैरेक्टर के लिए। एंड फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो 40 डेज लगे थे एंड टीम के द्वारा किया गया था, एंड रामोजी फिल्म सिटी में किया गया था एरियल क्लाइमैक्स सीन्स में फिल्माया गया था 5 डेज का रखा था, एंड मूवी जो पेंसिल फोटोग्राफी जिसको कि रैपअप किया था 17 अप्रैल 2023 को ही, एंड फिल्मिंग एटलीस्ट 180 डेज में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई, यानी कि 100 दिन में पूरी फिल्म की लाइक काम करने के बाद ही पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई है इस फिल्म की। एंड फिल्म की दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था पोस्ट लाइक डबिंग का जो प्रोग्रेस है उसको किया गया था ड्यूरिंग अप्रैल 2022 में ही, एंड तेजसा ने डबिंग किया था अपने लाइक उन कैरेक्टर का लाइक उनके पोर्शन का जो कैरेक्टर था उन्होंने किया था। इसके साथ ही हेलिस स्टूडियो हैदराबाद में फिल्म की किया था, एंड फिल्म की जो प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो में था जिसको कि एक्सटेंडेड
वर्क ऑफ द विजुअल इफेक्ट के तौर पर रखा था। मोर देन ईयर्स लगे थे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड VFX डन किया था उदरनीय पुनर्नल के द्वारा एंड फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है आंध्री थीम के द्वारा किया था और स्टोरी बोर्डेड के द्वारा किया था जिसमें कि टू डे में क्या होता एंड जिसको कि इंस्पायर लिया गया था बाहुबली 2 कंकन के द्वारा जिन्होंने टीम ने भी डिसाइड दिया था 3D फिट लाइक उसको करने में एनिमेशन को करने में। तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। प्रीविजुअल्स मीटिंग पेंटिंग 3D ये आर्ट्स लाइक GPT काफ़ी सारी चीज़ों को लेवल पोस्ट वगैरह को यूज़ किया गया था स्पेशली डिजाइन के लिए एंड स्पेशली फिल्म की जो अगर बात करें स्पेशल इफेक्ट की जिन्होंने प्रोवाइड किया था रघुनाथ ने एंड कलर ग्रेडिंग किया गया था लाइक स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर में ही विच इज डन किया था शिवा कुमार BVR ने एंड मूवी की जो फिनिशिंग वर्क है जिसको कि परफॉर्म किया था एनर अराउंड एंड विजन ने एंड अन्नपूर्णा स्टूडियो में जो कि कलराइज किया था श्विंत के द्वारा मिक्सिंग किया था मिक्सिंग भी स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2023 में डॉल्बी मिक्सिंग किया था एक्स्ट्रा राधा कृष्णा के द्वारा एंड मूवी की अगर बात करें फाइनल कॉपी की तो रेडी किया था 2023 में एंड सबमिट किया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यानी कि CBFC को उसी मंथ ही एंड 29 दिसंबर 2023 में रिसीव हुआ था US सर्टिफिकेशन जो कि सेंसर बोर्ड ने फाइनल जो रन टाइम दिया था 158 मिनट का। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की जिसके बारे में आप सभी को बता दें उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि OTT के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एंड सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स की तो G5 एंड Zee नेटवर्क ने खरीदा था एंड इसकी जो पोस्ट थ्रेटिक रिलीज डेट है लाइक 35 करोड़ में बेचे गए थे एंड प्रीमियर जो जिस G5 पर हुआ था 6 मार्च 2024 को। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को प्रीमियर किया गया था Zee सिनेमा पर एंड सैटेलाइट चैनल पर भी प्रीमियर किया गया था कलर सिनेप्लेक्स के सैटेलाइट चैनल पर और मलयालम एंड तमिल एंड कनाडा वर्जन को शेड्यूल किया हुआ प्रीमियर किया था 5 अप्रैल 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो काफी सारे अलग अलग बैनर्स के द्वारा लाइक अलग अलग सॉरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया हुआ एंड फिल्म की रोटेन टमाटोज की अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर तो बात कर लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी फिल्म का सीक्वल वगैरह के बारे में बात तो कर लिया कि फिल्म का सक्सेस को देखते ऑलरेडी फिल्म के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का सीक्वल को अनाउंसमेंट कर दिया है इसमें नो डाउट इसमें कोई शक करने वाली बात तो है नहीं एंड साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट के तो नो डाउट प्रशांत वर्मा का स्टोरी डायरेक्शन काफी सारी चीजें वर्क किया है जिसके चलते वो आपको स्क्रीन पर और साथ ही वो कलेक्शन में ही भी आपको नजर आ ही जाता है एंड पॉपुलैरिटी ऑडियंस के ऑलमोस्ट रिव्यू वगैरह मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ एंड सिनेमाटोग्राफी दिया हुआ है लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजों को तारीफ की है बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर भी लोगों ने तारीफें की है परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों ने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। तो ऑलमोस्ट फिल्म के ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म को पसंद आया एंड फिल्म ने कुछ अपने नाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जैसे कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म एंड साउथ इंडियन फिल्म ऑफ 2004 का इन्होंने लाइक अपना रिकॉर्ड नाम किया अपने नाम ही एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया एंड 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम में भी ये फिल्म अपना रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ है इस फिल्म ने। तो नो डाउट फिल्म ने काफी सारे लाइक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं सो लेट्स सी लोग वेट कर रहे हैं इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर वेट कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर वेट कर रहे हैं कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है। तो चीज़ों को लेकर ऑडियंस तो लाइक एक्सपेक्टेशन ही है जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आया था सभी चीज़ें पसंद आए थे उसके बाद ही था एंड साथ ही इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा फिल्म की बजट को लाइक रिवील ही नहीं किया गया था क्योंकि इसके पीछे रीजन एक ही था कि आपको पता कि इतनी बजट में लाइक जब इनिशियली बनाया था 40 करोड़ ही बजट सुनने में आ रहा था यही था लेकिन इससे पहले फिल्म आई थी आदि पुरुष तो 600 करोड़ बजट था जिस हिसाब से फिल्म के अंदर VFX का वर्क किया गया था CG वगैरह क्रिएट किया गया था तो जिससे कि लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि अगर 600 करोड़ फिल्म में अगर लगाए कहाँ लगाए गए लाइक VFX के चलते लोगों ने लाइक बातें की तो आपको पता ही है। तो जिसके चलते इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा किया गया था कि बजट को ऑफिशियली लाइक अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया था लेकिन सक्सेस होने के बाद फिल्म के बजट वगैरह को उन्होंने बताया हुआ था। तो ये था इसके फिल्म के बारे में टोटल डिटेल्स एंड सभी चीजों डिटेल्स के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ।
जी हाँ सो हनुमान फिल्म 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जिसको की प्रोड्यूस किया दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स ने। एंड इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे और तेजा सज्जा, एंड इसके अलावा आपको नजर आएंगे अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रक्कानी, विनय राय एंड वैनला किशोर, और साथ ही राज दीपक शेट्टी। एंड ये जो फिल्म है, आपको जो कहानी दिखाई गई, तो डेफिनेटली ये कहानी है फिल्म के डायरेक्टर की सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको कि नाम दिया गया प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो PVCU दिया गया है। एंड फिल्म का जो नरेशन है यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है, जो कि आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जो कि पहले से ऑलरेडी बता ही चुका, लेकिन फिल्म की स्क्रीन प्ले और यहाँ पर बात करें स्क्रीन राइटिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको किया है स्क्रिप्ट वैली ने। एंड फिल्म की कहानी आइडिया लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया सो की निरंजन रेड्डी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी दर्शाधी शिवेंद्र की। एंड फिल्म को एडिट किया दोस्तों साई बाबू तलारी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगी हरा हरी की, यानी गोरा हरी की। एंड इस फिल्म में जो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है वो दिया गया है गोरा एंड हरी एंड अनुदीप देव ने। एंड इस फिल्म को दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया है, जहाँ पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे बैनर्स है, बिकॉज अलग अलग एरियाज में अलग अलग बैनर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड बैनर्स की अगर बात करें तो लाइक सबसे पहले मैत्री बूम मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो एंड ये फिल्म शक्ति फिल्म फैक्ट्री। जहाँ पर फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करिए तो दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को। फिल्म का रन टाइम है 158 मिनट एंड जिसका बजट है अराउंड 40 करोड़। हालांकि ये जो बजट है एस्टिमेटेड बजट है, हालांकि पूरी बजट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अराउंड फिल्म को 100 करोड़ के अराउंड फिल्म को बजट के साथ बनाया हुआ है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म का जो इनिशियली बजट था लाइक 40 करोड़ था, लेकिन फिल्म की लाइक जब फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था लाइक शूटिंग को, तो उसी वक्त फिल्म की लाइक बजट को यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिकॉज उसके बाद ही प्रोड्यूसर के द्वारा और भी ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा को लाइक इंक्रीज किया गया था बजट को। तो 100 करोड़ के प्लस के आसपास फिल्म का बजट है, मे बी उससे प्लस यहाँ पर कम है। एंड फिल्म की टोटल कलेक्शन की अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये एस्टिमेटेड कलेक्शन है, तो इनमें बढ़ने के भी चांसेस हैं एंड घटने के भी चांसेस हैं। एंड टोटल बजट की अगर बात करें, जो कि फिल्म ने लाइफ टाइम या फिर फिल्म की लाइफ टाइम ही कलेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज ये फिल्म सिनेमा लगी, यानी कि ये फिल्म तो थिएटर्स में तो चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि OTT पर आ चुकी है एंड रिलीज हुए ऑलमोस्ट 9 महीने लाइक होने को है। तो फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया हुआ है 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है, यानी कि 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है इस फिल्म ने। एंड बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके चलते डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो फिल्म है लाइक काफी सारी फिल्मों को ऑलरेडी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, पर कुछ इस फिल्म को सक्सेस होने के बाद काफी फिल्मों को उन्होंने ऑफिशियली चीजों को लाइक अनाउंसमेंट किया गया था, पर इस फिल्म को रिलीज होने से पहले रूमर्स था, लेकिन जैसे जैसे मूवी सक्सेस मिले, मूवी को सक्सेस हुई उसको देखते हुए फिल्म की लाइक इस फिल्म का तो ऑलरेडी सीक्वल को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एंड बाकी और कई सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड दोस्तों फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग मिली हुई है वो भी काफी कमाल की रेटिंग है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी की अच्छी खासी इस फिल्म को रेटिंग है। सबसे पहले फिल्म की अगर बात रेटिंग की IMDb रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। रूटेन टमाटर्स पर इस फिल्म की 88% लोगों ने पसंद किया है। गूगल की अगर बात करें तो दोस्तों गूगल पर भी इस फिल्म को काफी कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि 94% लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही पसंद किया है। एंड इसके साथ ही ऑडियंस के लाइक रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज भी लाइक इस फिल्म को मिली है, जो कि काफी कमाल का मिलेगा, लाइक अनस्टॉपेबल रिस्पांस जिसको कहते हैं, लाइक काफी ज्यादा लोगों ने फिल्म को रेट किया हुआ है। एंड रेटिंग भी छोटी मोटी रेटिंग नहीं, जैसा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी हाई लेवल की रेटिंग दिया है इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से स्पेशली। सो अगर बात करें कितने लोगों ने दिया है तो डेफिनेटली कहूंगा कि 26,000 प्लस लोगों ने इस फिल्म को 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड ये जो रेटिंग या फिर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ऑडियंस है जो गूगल पर लाइक मूवी को रिव्यू करते हैं, अपने जो
देखने के बाद मूवी का एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ये कोई फीड वगैरह नहीं है एंड आप भी दे सकते हो, लाइक अगर आप देना भी चाहते हो तो ये जो रिव्यूज है ऑडियंस के रिव्यूज है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। एंड दोस्तों बात करती ओटीटी के बारे में, तो सबसे पहले डबिंग की अगर बात करें, हिंदी डबिंग के ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज ये भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिल्म यूट्यूब पर भी रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हो। एंड वैसे ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के अलावा आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो, लेकिन देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है एंड कौन से ओटीटी पर देखोगे कौन से ओटीटी पर नहीं देखोगे ये लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंड देखो या ना देखो ये आपके ऊपर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, कौन से सैटेलाइट चैनल पर है। इसके साथ ही हिंदी बैनर की अगर बात करें, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि इस फिल्म के जो बैनर्स है, हिंदी बैनर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स थे, उनमें एक नाम था आरकेडी स्टूडियो का। तो इससे जाहिर सी बात है अगर आरकेडी स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को वो लोग YouTube पर भी रिलीज करेंगे बिकॉज आरकेडी स्टूडियो का लाइक उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल है एंड ऑब्वियसली सबको ही पता है, सो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सो आरकेडी स्टूडियो ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। जहां पर इस फिल्म की पोस्टर वगैरह पर भी आपको आरकेडी स्टूडियो का लाइक नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के YouTube रिलीज की, तो कब तक आ सकती है, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है आरकेडी स्टूडियो के द्वारा। अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंस वगैरह किया जाते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट आप सबको सबसे लाइक देने की। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट लाइक सबसे पहले अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। सो ये कर लेना अगर आप हमारे चांसेस जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था एंड यहाँ तक की अगर बात करें फिल्म की सैटेलाइट प्रीमियर की, तो आई थिंक इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर कुछ दिन पहले किया गया था, तो आई थिंक कौन से सैटेलाइट चैनल पर किया गया था इसके बारे में नहीं पता है, लाइक किया तो गया था इतना तो पता है, मे भी किया गया था पर इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को अगर आपको पता है कि इस फिल्म का प्रीमियर पहले से ही करवा दी गई है, अगर आपको ऐसा आपको लगता है या फिर आपने देखा है, सो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हालांकि कमेंट सेक्शन डिसेबल ही रहता है, पर अगर आप हमारे पुराने पोस्ट वगैरह लाइक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सो सैटेलाइट ओटीटी एंड यूट्यूब और हिंदी बैनर के बारे में ऑलरेडी सभी चीजों को डिटेल के साथ बारीकी से मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अब बात करते फिल्म की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड आपको जो मेन वीडियो का लाइक मकसद है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करना एंड और भी कई सारी चीजों को डिटेल के साथ बातें करना एंड फैक्ट्स को शेयर करना जो कि इस फिल्म से रिलेटेड है, पर कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है वीडियो के लिए। सो कहानी के ऊपर बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो आपको कहानी आपको देखने को मिली है इस फिल्म में, ये कहानी हमें देखने को मिली है 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं जिसके आकर्षण के कारण दुर्घटना हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल अपने दोस्त श्री के आविष्कारों का उपयोग करके मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन उसे एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की तलाश होती है। फिल्म में हनुमान के रक्त की एक बूंद से पैदा हुआ एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है जो इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिणी भारत के समुद्र में गिर गया था। इसी रत्न में हनुमान की शक्तियां है एंड समुद्र के पास आंध्र विद्युत स्थित है जो अपने जगपति के अत्याचार के अधीन एक
डाइस्टोपियन गांव है। आनंदी एक छोटा और हनुमथु स्थानीय स्कूल के प्रधान अध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी जगपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जगपति को खतरे का महसूस होता है, इसीलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उसे एक पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप में रक्षा करने वाले हनुमेतु ने घातक की विफल कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्रों में फेंक दिया गया, जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। और हालांकि हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, और हालांकि इसके बिना यह शक्ति खो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है, जिससे स्थितियों पैदा होती है, और जबकि वह शंकिया में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है, तो जगपति उससे कुश्ती के लिए चुनौती देता है और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है। और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉर्पोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में आनंद अजन नांद्री पहुंचते हैं, जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है। और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजुमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है। जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं, और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजुमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और माइकल को एक नकली मणि देता है, जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजुमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजुमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए विफल हो गई है। फिर माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है, जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और
जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मनी लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मनी की शक्ति को स्थायी रूप से अश्वसित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं, क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहाँ तक जितनी भी रियल हो सके चीज़ों को बताया एंड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जानबूझकर चीज़ों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हुआ सभी चीज़ों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड और कई सारी चीज़ें लाइक कहानी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं, हालांकि सभी चीज़ों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है। सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी, शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राज दीपक शेट्टी, शत्या एंड जीतू श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर, इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है, हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज, हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राजदीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या आप इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जयत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म में मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीथी इस फिल्म में उनका कैमियो और रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके ऊपर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जितना लाइक मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में लाइक किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर लाइक बातें करेंगे इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे, लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था एंड लाइक देख रहे पर जो फिल्म की आइडिया लेवल था वो प्रशांत वर्मा का ही है और जिसके कि एसएस राजा मौली के द्वारा लाइक एडवाइस भी दिया लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था, इसके साथ ही साहिब एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेड्डी फिल्म में काम कर चुके थे तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की तो सिनेमेटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागो को किया गया था, एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवदी को किया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था
एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि फिल्म की कास्टिंग फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायरोर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजसा ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में एंड वाटर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी, उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी। जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म की उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29 मई 2021 को एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है लाइक सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी। एंड एक डीसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था। लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को जो कि इंक्रीज करके लाइक दिया था वैल्यू को। एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर इस फिल्म को PVC ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स दिया हुआ। हालांकि ये फिल्म काफ़ी सक्सेस रही है तो देखते हैं आने वाले टाइम में आन की जो सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी फिल्में कैसे हिसाब से काम करती हैं, तो ये है। एंड फिल्म की दोस्तों अगर बात करें कास्टिंग की तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, पर उससे पहले फिल्मिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ बात करते हैं। हालांकि इस वीडियो के ऊपर अगर बात करें तो लाइक बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो फिल्मिंग की अगर बात करें तो उनकी जो ऑफिशियली लॉन्च रखा था 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी रखी गई थी एंड एक मुहूर्त शॉट भी वहाँ डन किया था। पेंसिल फोटोग्राफी को डन किया था सेम डे ही एज ऑफ अगस्त 2021 में 40% का जो फिल्मिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। एंड मूवी की जो फिल्मिंग थे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड सॉन्ग्स थे जिसको कि मरडलिनी एंड पेरोडो आंध्र प्रदेश में 2021 में किए गए थे। उसके बाद ही अराउंड 60% का फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2021 तक ही। एंड टीम के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया था टेम्परली लाइक स्टूडियो कॉल ऑफ हनुमान करके रखा था जिसको कि वेंटीगुलूपल्ली में किया गया था जिसको कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन शॉट्स लिए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। एंड इसके साथ ही 2022 में मुंबई तेजसा ने लाइक उन्होंने ट्रेन किया था अंडर द स्पेशल ट्रेनर के द्वारा फिटनेस एंड वो सभी चीज़ें उन्होंने किया था इस कैरेक्टर के लिए। एंड फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो 40 डेज लगे थे एंड टीम के द्वारा किया गया था एंड रामोजी फिल्म सिटी में किया गया था। एरियल क्लाइमैक्स सीन्स में फिल्माया गया था 5 डेज का रखा था। एंड मूवी जो पेंसिल फोटोग्राफी जिसको कि रैपअप किया था 17 अप्रैल 2023 को ही एंड फिल्मिंग एटलीस्ट 180 डेज में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई, यानी कि 100 दिन में पूरी फिल्म की लाइक काम करने के बाद ही पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई है इस फिल्म की। एंड फिल्म की दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था पोस्ट लाइक डबिंग का जो प्रोग्रेस है उसको किया गया था ड्यूरिंग अप्रैल 2022 में ही। तेजसा ने डबिंग किया था अपने लाइक उन कैरेक्टर लाइक उनके पोर्शन का जो कैरेक्टर था उन्होंने किया था। इसके साथ ही हेलिस स्टूडियो हैदराबाद में फिल्म की किया था एंड फिल्म की जो प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो में था जिसको कि एक्सटेंडेड वर्क ऑफ द विजुअल इफेक्ट के तौर पर रखा था। मोर देन ईयर्स लगे थे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड VFX डन किया था उदरणीय पुनर्नल के द्वारा एंड फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है आंध्री थीम के द्वारा किया गया था और स्टोरी बोर्डेड के द्वारा किया गया जिसमें कि 2D में किया था एंड जिसको कि इंस्पायर लिया गया था बाहुबली 2 के द्वारा जिन्होंने टीम ने भी डिसाइड दिया था 3D लाइक उसको करने में एनिमेशन को करने में। तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। प्रीविजुअल्स मीटिंग पेंटिंग 3D ये आर्ट्स लाइक GPT काफ़ी सारी चीज़ों को लेवर पोस्ट वगैरह को यूज़ किया गया था स्पेशली डिजाइन के लिए। एंड स्पेशली फिल्म की जो अगर बात करें
स्पेशल इफेक्ट की जिन्होंने प्रोवाइड किया था रघुनाथ ने, एंड कलर ग्रेडिंग किया गया था लाइक स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर में ही, विच इज डन किया था शिवा कुमार बीवीआर ने, एंड मूवी की जो फिनिशिंग वर्क है जिसको कि परफॉर्म किया था एनआर अराउंड एंड विजन ने, एंड अन्नपूर्णा स्टूडियो में जो कि कलरिस्ट किया था श्विंत के द्वारा मिक्सिंग किया था, मिक्सिंग भी स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2037 में, डॉल्बी मिक्सिंग किया था एक्स्ट्रा राधा कृष्णा के द्वारा। एंड मूवी की अगर बात करें फाइनल कॉपी की तो रेडी किया था 2023 में एंड सबमिट किया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यानी कि CBFC को उसी मंथ ही, एंड 29 दिसंबर 2023 में रिसीव हुआ था US सर्टिफिकेशन जो कि सेंसर बोर्ड ने फाइनल जो रन टाइम दिया था 158 मिनट का। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की जिसके बारे में आप सभी को बता दें उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि OTT के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एंड सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स की तो G5 एंड Zee नेटवर्क ने खरीदा था, एंड इसकी जो पोस्ट थ्रेटिक रिलीज डेट है लाइक 35 करोड़ में बेचे गए थे, एंड प्रीमियर जो जिस G5 पर हुआ था 6 मार्च 2024 को। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को प्रीमियर किया गया था Zee सिनेमा पर एंड सैटेलाइट चैनल पर भी प्रीमियर किया गया था कलर सिनेप्लेक्स के सैटेलाइट चैनल पर, और मलयालम एंड तमिल एंड कनाडा वर्जन को शेड्यूल किया हुआ प्रीमियर किया था 5 अप्रैल 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो काफी सारे अलग अलग बैनर्स के द्वारा लाइक अलग अलग सॉरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया हुआ। एंड फिल्म की रोटेन अमाउंट हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, और हालांकि इसके बिना यह शक्ति हो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है जिससे साहेपत स्थितियों पैदा होती है, और जबकि वह शंख्या में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है तो जगपति उससे कुश्ती के लिए चुनौती देता है, और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है, और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉरपोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में आनंद अजन नांद्री पहुंचते हैं जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है, और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है, जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है, और वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं, और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और माइकल को एक नकली मणि देता है जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए
विफल हो गई है। फिर माइकल गाओ में जहरीला धुआं छोड़ता है जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मणि लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मणि की शक्ति को स्थायी रूप से आश्वासित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है। महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहाँ तक जितनी भी रियल हो सके चीज़ों को बताया एंड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जानबूझकर चीज़ों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हुआ सभी चीज़ों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। एंड और कई सारी चीज़ें लाइक कहानी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं। हालांकि सभी चीज़ों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है, सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी, शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राज दीपक शेट्टी, शत्या एंड जीतू श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर, इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है। हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज। हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राजदीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या आप इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जयत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म में मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीथी इस फिल्म में उनका कैमियो और रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है। एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके ऊपर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जितना लाइक मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में लाइक किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर लाइक बातें करेंगे इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे, लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था
एंड लाइक देख रहे पर जो फिल्म की आइडिया लेवल था वो प्रशांत वर्मा का ही है, और जिसके कि एस एस राजा मौली के द्वारा लाइक एडवाइस भी दिया लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में, एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था। इसके साथ ही साइबोर एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए, एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेड्डी फिल्म में काम कर चुके थे तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की तो सिनेमाटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागो को किया गया था, एक्शन सिक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवदी को किया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था। एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि फिल्म की कास्टिंग इस फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजसा ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में, एंड वाटर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी, जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म की उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29 मई 2021 को एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है लाइक सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी, एंड एक डिसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने, एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था, लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को जो कि इंक्रीज करके लाइक दिया था वैल्यू को। एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर इस फिल्म को PVCU ऑलरेडी बता चुका है कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स दिया हुआ। हालांकि ये फिल्म काफ़ी सक्सेस रही है तो देखते हैं आने वाले टाइम में आन की जो सिनेमेटिक यूनिवर्स में उनकी फिल्में कैसे हिसाब से काम करती हैं तो ये है। एंड फिल्म की दोस्तों अगर बात करें कास्टिंग की तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी, पर उससे पहले फिल्मिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ बात करते हैं। हालांकि इस वीडियो के ऊपर अगर बात करें तो लाइक बहुत देर तक बातें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सो फिल्मिंग की अगर बात करें तो उनकी जो ऑफिशियली लॉन्च रखा था 25 जून 2021 को हैदराबाद में पूजा सेरेमनी रखी गई थी, एंड एक मुहूर्त शॉट भी वहाँ डन किया था, पेंसिल फोटोग्राफी को डन किया था सेम डे ही। एज ऑफ अगस्त 2021 में 40% का जो फिल्मिंग था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, एंड मूवी की जो फिल्मिंग थे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड सॉन्ग्स थे जिसको कि मरडलिनी एंड पेरोडो आंध्र प्रदेश में 2021 में किए गए थे। उसके बाद ही अराउंड 60% का फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था 2021 तक ही, एंड टीम के द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया था टेम्परली लाइक स्टूडियो कॉल ऑफ हनुमान करके रखा था जिसको कि वेंटीगुलूपल्ली में किया गया था, जिसको कि मोस्ट ऑफ द ग्रीन शॉट्स लिए गए थे जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। एंड इसके साथ ही 2022 में मुंबई तेजसा ने लाइक उन्होंने ट्रेन किया था अंडर द स्पेशल ट्रेनर के द्वारा फिटनेस एंड वो सभी चीज़ें उन्होंने किया था इस कैरेक्टर के लिए। एंड फिल्म की क्लाइमैक्स सीक्वेंसेस की अगर बात करें तो 40 डेज लगे थे एंड टीम के द्वारा किया गया था, एंड रामोजी फिल्म सिटी में किया गया था एरियल क्लाइमैक्स सीन्स में फिल्माया गया था 5 डेज का रखा था। एंड मूवी जो पेंसिल फोटोग्राफी जिसको कि रैपअप किया था 17 अप्रैल 2023 को ही, एंड फिल्मिंग एटलीस्ट 180 डेज में फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हुई, यानी कि 100 दिन में पूरी फिल्म की लाइक काम करने के बाद ही पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह कंप्लीट हुई है इस फिल्म की। एंड फिल्म की दोस्तों पोस्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया था पोस्ट लाइक डबिंग का जो प्रोग्रेस है उसको किया गया था ड्यूरिंग अप्रैल 2022 में ही। तेजसा ने डबिंग किया था अपने लाइक उन कैरेक्टर लाइक उनके पोर्शन का जो कैरेक्टर था उन्होंने किया था। इसके साथ ही हेलिस स्टूडियो हैदराबाद में फिल्म की किया था, एंड फिल्म की जो प्रिंसिपल विजुअल इफेक्ट स्टूडियो में था जिसको कि एक्सटेंडेड
वर्क ऑफ द विजुअल इफेक्ट के तौर पर रखा था। मोर देन ईयर्स लगे थे फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में एंड VFX डन किया था उदरनीय पुनर्नल के द्वारा एंड फिल्म की जो पिक्चराइजेशन है आंध्री थीम के द्वारा किया था और स्टोरी बोर्डेड के द्वारा किया था जिसमें कि टू डे में क्या होता एंड जिसको कि इंस्पायर लिया गया था बाहुबली 2 कंकन के द्वारा जिन्होंने टीम ने भी डिसाइड दिया था 3D फिट लाइक उसको करने में एनिमेशन को करने में। तो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। प्रीविजुअल्स मीटिंग पेंटिंग 3D ये आर्ट्स लाइक GPT काफ़ी सारी चीज़ों को लेवल पोस्ट वगैरह को यूज़ किया गया था स्पेशली डिजाइन के लिए एंड स्पेशली फिल्म की जो अगर बात करें स्पेशल इफेक्ट की जिन्होंने प्रोवाइड किया था रघुनाथ ने एंड कलर ग्रेडिंग किया गया था लाइक स्टार्ट किया था 5 अक्टूबर में ही विच इज डन किया था शिवा कुमार BVR ने एंड मूवी की जो फिनिशिंग वर्क है जिसको कि परफॉर्म किया था एनर अराउंड एंड विजन ने एंड अन्नपूर्णा स्टूडियो में जो कि कलराइज किया था श्विंत के द्वारा मिक्सिंग किया था मिक्सिंग भी स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2023 में डॉल्बी मिक्सिंग किया था एक्स्ट्रा राधा कृष्णा के द्वारा एंड मूवी की अगर बात करें फाइनल कॉपी की तो रेडी किया था 2023 में एंड सबमिट किया था सेंसर बोर्ड की तरफ से यानी कि CBFC को उसी मंथ ही एंड 29 दिसंबर 2023 में रिसीव हुआ था US सर्टिफिकेशन जो कि सेंसर बोर्ड ने फाइनल जो रन टाइम दिया था 158 मिनट का। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें फिल्म की जिसके बारे में आप सभी को बता दें उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि OTT के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं एंड सैटेलाइट के बारे में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं एंड फिल्म की अगर बात करें डिजिटल एंड सैटेलाइट राइट्स की तो G5 एंड Zee नेटवर्क ने खरीदा था एंड इसकी जो पोस्ट थ्रेटिक रिलीज डेट है लाइक 35 करोड़ में बेचे गए थे एंड प्रीमियर जो जिस G5 पर हुआ था 6 मार्च 2024 को। इस फिल्म का हिंदी वर्जन को प्रीमियर किया गया था Zee सिनेमा पर एंड सैटेलाइट चैनल पर भी प्रीमियर किया गया था कलर सिनेप्लेक्स के सैटेलाइट चैनल पर और मलयालम एंड तमिल एंड कनाडा वर्जन को शेड्यूल किया हुआ प्रीमियर किया था 5 अप्रैल 2024 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो काफी सारे अलग अलग बैनर्स के द्वारा लाइक अलग अलग सॉरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया हुआ एंड फिल्म की रोटेन टमाटोज की अगर बात करें तो ऑलरेडी इसके ऊपर तो बात कर लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ऑलरेडी फिल्म का सीक्वल वगैरह के बारे में बात तो कर लिया कि फिल्म का सक्सेस को देखते ऑलरेडी फिल्म के मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का सीक्वल को अनाउंसमेंट कर दिया है इसमें नो डाउट इसमें कोई शक करने वाली बात तो है नहीं एंड साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिकल डिपार्टमेंट के तो नो डाउट प्रशांत वर्मा का स्टोरी डायरेक्शन काफी सारी चीजें वर्क किया है जिसके चलते वो आपको स्क्रीन पर और साथ ही वो कलेक्शन में ही भी आपको नजर आ ही जाता है एंड पॉपुलैरिटी ऑडियंस के ऑलमोस्ट रिव्यू वगैरह मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ एंड सिनेमाटोग्राफी दिया हुआ है लोगों ने ऑलमोस्ट सभी चीजों को तारीफ की है बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर भी लोगों ने तारीफें की है परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों ने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। तो ऑलमोस्ट फिल्म के ओवरऑल अगर बात करें तो फिल्म को पसंद आया एंड फिल्म ने कुछ अपने नाम रिकॉर्ड भी अपने नाम किया जैसे कि सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म एंड साउथ इंडियन फिल्म ऑफ 2004 का इन्होंने लाइक अपना रिकॉर्ड नाम किया अपने नाम ही एंड थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड अपने नाम किया एंड 8th हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम में भी ये फिल्म अपना रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ है इस फिल्म ने। तो नो डाउट फिल्म ने काफी सारे लाइक रिकॉर्ड बनाए हुए हैं सो लेट्स सी लोग वेट कर रहे हैं इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर वेट कर रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों को लेकर वेट कर रहे हैं कि फिल्म में क्या है क्या नहीं है। तो चीज़ों को लेकर ऑडियंस तो लाइक एक्सपेक्टेशन ही है जिस हिसाब से ये फिल्म लोगों को पसंद आया था सभी चीज़ें पसंद आए थे उसके बाद ही था एंड साथ ही इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि फिल्म के मेकर्स के द्वारा फिल्म की बजट को लाइक रिवील ही नहीं किया गया था क्योंकि इसके पीछे रीजन एक ही था कि आपको पता कि इतनी बजट में लाइक जब इनिशियली बनाया था 40 करोड़ ही बजट सुनने में आ रहा था यही था लेकिन इससे पहले फिल्म आई थी आदि पुरुष तो 600 करोड़ बजट था जिस हिसाब से फिल्म के अंदर VFX का वर्क किया गया था CG वगैरह क्रिएट किया गया था तो जिससे कि लोग काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे कि अगर 600 करोड़ फिल्म में अगर लगाए कहाँ लगाए गए लाइक VFX के चलते लोगों ने लाइक बातें की तो आपको पता ही है। तो जिसके चलते इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा किया गया था कि बजट को ऑफिशियली लाइक अनाउंसमेंट ही नहीं किया गया था लेकिन सक्सेस होने के बाद फिल्म के बजट वगैरह को उन्होंने बताया हुआ था। तो ये था इसके फिल्म के बारे में टोटल डिटेल्स एंड सभी चीजों डिटेल्स के साथ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ।
जी हाँ सो हनुमान फिल्म 2024 की तेलुगु लैंग्वेज की सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जिसको की प्रोड्यूस किया दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट्स ने। एंड इस फिल्म के लीड स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे और तेजा सज्जा, एंड इसके अलावा आपको नजर आएंगे अमृता अय्यर, वरलक्ष्मी शरद कुमार, संयुक्त रकानी, विनय राय एंड वैनला किशोर, और साथ ही राज्य दीपक सेट्टी। एंड ये जो फिल्म है, आपको जो कहानी दिखाई गई, तो डेफिनेटली ये कहानी है फिल्म के डायरेक्टर की सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जिसको कि नाम दिया गया प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो PVCU दिया गया है। एंड फिल्म का जो नरेशन है यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है, जो कि आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया दोस्तों प्रशांत वर्मा ने, जो कि पहले से ऑलरेडी बता ही चुका, लेकिन फिल्म की स्क्रीन प्ले और यहाँ पर बात करें स्क्रीन राइटिंग की, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको किया है स्क्रिप्ट वैली ने। एंड फिल्म की कहानी आइडिया लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशांत वर्मा की है। फिल्म को प्रोड्यूस किया सो की निरंजन रेड्डी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी दर्शाधी शिवेंद्र की। एंड फिल्म को एडिट किया दोस्तों साई बाबू तलारी ने, जहाँ पर आपको इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलेगी हरा हरी की, यानी गोरा हरी की। एंड इस फिल्म में जो सॉन्ग्स के अंदर जो म्यूजिक दिया हुआ है वो दिया गया है गोरा एंड हरी एंड अनुदीप देव ने। एंड इस फिल्म को दोस्तों प्राइम शो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन बैनर के नीचे इस फिल्म को बनाया है, जहाँ पर फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली काफी सारे बैनर्स है, बिकॉज अलग अलग एरियाज में अलग अलग बैनर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड बैनर्स की अगर बात करें तो लाइक सबसे पहले मैत्री भूम मेकर्स, आरकेडी स्टूडियो एंड ये फिल्म शक्ति फिल्म फैक्ट्री। जहाँ पर फिल्म की एग्जैक्ट रिलीज डेट की अगर बात करिए तो दोस्तों मूवी को रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को। फिल्म का रन टाइम है 158 मिनट एंड जिसका बजट है अराउंड 40 करोड़। हालांकि ये जो बजट है एस्टिमेटेड बजट है, हालांकि पूरी बजट के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि अराउंड फिल्म को 100 करोड़ के अराउंड फिल्म को बजट के साथ बनाया हुआ है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म का जो इनिशियली बजट था लाइक 40 करोड़ था, लेकिन फिल्म की लाइक जब फिल्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था लाइक शूटिंग को, तो उसी वक्त फिल्म की लाइक बजट को यहाँ पर बढ़ाया गया था, बिकॉज उसके बाद ही प्रोड्यूसर के द्वारा और भी ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने पैसा को लाइक इंक्रीज किया गया था बजट को। तो 100 करोड़ के प्लस के आसपास फिल्म का बजट है, मे बी उससे प्लस यहाँ पर कम है। एंड फिल्म की टोटल कलेक्शन की अगर बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, एंड जो मैं कलेक्शन बताने जा रहा हूँ ये एस्टिमेटेड कलेक्शन है, तो इनमें बढ़ने के भी चांसेस हैं एंड घटने के भी चांसेस हैं। एंड टोटल बजट की अगर बात करें, जो कि फिल्म ने लाइफ टाइम या फिर फिल्म की लाइफ टाइम ही कलेक्शन मानी जाएगी, बिकॉज ये फिल्म सिनेमा लगी, यानी कि ये फिल्म तो थिएटर्स में तो चल नहीं रही है, इसका मतलब है कि OTT पर आ चुकी है एंड रिलीज हुए ऑलमोस्ट 9 महीने लाइक होने को है। तो फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन किया हुआ है 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है, यानी कि 350 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ है इस फिल्म ने। एंड बहुत ही बड़ी सक्सेस मिली है इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर। एंड इसके चलते डायरेक्टर प्रशांत वर्मा की अगर बात करें तो उनकी जो सिनेमेटिक यूनिवर्स की जो फिल्म है लाइक काफी सारी फिल्मों को ऑलरेडी उन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया हुआ है, पर कुछ इस फिल्म को सक्सेस होने के बाद काफी फिल्मों को उन्होंने ऑफिशियली चीजों को लाइक अनाउंसमेंट किया गया था। पर इस फिल्म को रिलीज होने से पहले रूमर्स था, लेकिन जैसे जैसे मूवी सक्सेस मिले, मूवी को सक्सेस हुई उसको देखते हुए फिल्म की लाइक इस फिल्म का तो ऑलरेडी सीक्वल को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया एंड बाकी और कई सारी प्रोजेक्ट को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। एंड दोस्तों फिल्म की रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb रेटिंग की तरफ से जो रेटिंग मिली हुई है वो भी काफी कमाल की रेटिंग है, जहां तक मुझे लगता है कि हाँ मूवी की अच्छी खासी इस फिल्म को रेटिंग है। सबसे पहले फिल्म की अगर बात रेटिंग की IMDb रेटिंग की तो 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। रूटेन टमाटर्स पर इस फिल्म की 88% लोगों ने पसंद किया है। गूगल की अगर बात करें तो दोस्तों गूगल पर भी इस फिल्म को काफी कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि 94% लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ गूगल पर ही पसंद किया है। एंड इसके साथ ही ऑडियंस के लाइक रिव्यूज की अगर बात करें तो डेफिनेटली ऑडियंस के रिव्यूज भी लाइक इस फिल्म को मिली है, जो कि काफी कमाल का मिलेगा, लाइक अनस्टॉपेबल रिस्पांस जिसको कहते हैं, लाइक काफी ज्यादा लोगों ने फिल्म को रेट किया हुआ है। एंड रेटिंग भी छोटी मोटी रेटिंग नहीं, जैसा इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि काफी हाई लेवल की रेटिंग दिया है इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से स्पेशली। सो अगर बात करें कितने लोगों ने दिया है तो डेफिनेटली कहूंगा कि 26,000 प्लस लोगों ने इस फिल्म को 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग दी है। एंड ये जो रेटिंग या फिर जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे ऑडियंस है जो गूगल पर लाइक मूवी को रिव्यू करते हैं, अपने जो
देखने के बाद मूवी का एक्सपीरियंस ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ये कोई फीड वगैरह नहीं है एंड आप भी दे सकते हो, लाइक अगर आप देना भी चाहते हो तो ये जो रिव्यूज है ऑडियंस के रिव्यूज है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस हिसाब से फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। एंड दोस्तों बात करती ओटीटी के बारे में, तो सबसे पहले डबिंग की अगर बात करें, हिंदी डबिंग के ऊपर भी बात करेंगे बिकॉज ये भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिल्म यूट्यूब पर भी रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हो। एंड वैसे ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के अलावा आप इस फिल्म को जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो, लेकिन देखना ना देखना आपके ऊपर डिपेंड है एंड कौन से ओटीटी पर देखोगे कौन से ओटीटी पर नहीं देखोगे ये लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ये जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एंड देखो या ना देखो ये आपके ऊपर है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये फिल्म कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर है, कौन से सैटेलाइट चैनल पर है। इसके साथ ही हिंदी बैनर की अगर बात करें, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कि इस फिल्म के जो बैनर्स है, हिंदी बैनर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन बैनर्स थे, उनमें एक नाम था आरकेडी स्टूडियो का। तो इससे जाहिर सी बात है अगर आरकेडी स्टूडियो ने इस फिल्म के ऊपर पैसा लगाया है तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म को वो लोग YouTube पर भी रिलीज करेंगे बिकॉज आरकेडी स्टूडियो का लाइक उनका बहुत बड़ा YouTube चैनल है एंड ऑब्वियसली सबको ही पता है, सो इसको बताने की कोई जरूरत तो है नहीं। सो आरकेडी स्टूडियो ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको YouTube पर देखने को मिलेगी, इतना तो कन्फर्म है। जहां पर इस फिल्म की पोस्टर वगैरह पर भी आपको आरकेडी स्टूडियो का लाइक नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर बात करें इस फिल्म के YouTube रिलीज की, तो कब तक आ सकती है, तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड यूट्यूब रिलीज को लेकर तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली नहीं किया गया है आरकेडी स्टूडियो के द्वारा। अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंस वगैरह किया जाते तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा इसकी अपडेट आप सबको सबसे लाइक देने की। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, अपडेट लाइक सबसे पहले अपडेट के बारे में जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, तभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। सो ये कर लेना अगर आप हमारे चांसेस जुड़े रहना चाहते हो, अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। तो ये था एंड यहाँ तक की अगर बात करें फिल्म की सैटेलाइट प्रीमियर की, तो आई थिंक इस फिल्म का सैटेलाइट प्रीमियर कुछ दिन पहले किया गया था, तो आई थिंक कौन से सैटेलाइट चैनल पर किया गया था इसके बारे में नहीं पता है, लाइक किया तो गया था इतना तो पता है, मे भी किया गया था पर इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप में से किसी को अगर आपको पता है कि इस फिल्म का प्रीमियर पहले से ही करवा दी गई है, अगर आपको ऐसा आपको लगता है या फिर आपने देखा है, सो अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। हालांकि कमेंट सेक्शन डिसेबल ही रहता है, पर अगर आप हमारे पुराने पोस्ट वगैरह लाइक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सो सैटेलाइट ओटीटी एंड यूट्यूब और हिंदी बैनर के बारे में ऑलरेडी सभी चीजों को डिटेल के साथ बारीकी से मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एंड अब बात करते फिल्म की स्टोरी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बात करेंगे एंड आपको जो मेन वीडियो का लाइक मकसद है फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करना एंड और भी कई सारी चीजों को डिटेल के साथ बातें करना एंड फैक्ट्स को शेयर करना जो कि इस फिल्म से रिलेटेड है, पर कहानी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक मैटर करती है वीडियो के लिए। सो कहानी के ऊपर बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो आपको कहानी आपको देखने को मिली है इस फिल्म में, ये कहानी हमें देखने को मिली है 1998 में सौराष्ट्र में सुपर हीरो से प्रभावित एक युवा माइकल उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं जिसके आकर्षण के कारण दुर्घटना हो जाती है और कुछ ही समय बाद उसके माता पिता आग में जलकर मर जाते हैं। वर्तमान में माइकल अपने दोस्त श्री के आविष्कारों का उपयोग करके मुंबई में मेगा मैन नामक एक सुपर हीरो बन जाता है, लेकिन उसे एक सच्चा सुपर हीरो बनाने के लिए असली शक्ति की तलाश होती है। फिल्म में हनुमान के रक्त की एक बूंद से पैदा हुआ एक दिव्य रत्न को दिखाया गया है जो इंद्र द्वारा एक युवा हनुमान पर प्रहार किए जाने के बाद दक्षिणी भारत के समुद्र में गिर गया था। इसी रत्न में हनुमान की शक्तियां है एंड समुद्र के पास आंध्र विद्युत स्थित है जो अपने जगपति के अत्याचार के अधीन एक
डाइस्टोपियन गांव है। आनंदी एक छोटा और हनुमथु स्थानीय स्कूल के प्रधान अध्यापक की पोती मीनाक्षी के लिए भावनाएं रखता है। मीनाक्षी जगपति के शासन का विरोध करती है और ग्रामीणों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जगपति को खतरे का महसूस होता है, इसीलिए वह मीनाक्षी को खत्म करने के लिए उसे एक पर एक नकली डाकू हमला करता है। बचपन से मीनाक्षी की गुप्त रूप में रक्षा करने वाले हनुमेतु ने घातक की विफल कर दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और समुद्रों में फेंक दिया गया, जहां उसे गलती से दिव्य मणि मिल गई। अगले दिन वह तट पर बेहोश पाया जाता है, जिसे उसकी बड़ी बहन अंजुमा और दोस्त काशी घबरा जाते हैं। और हालांकि हनुमूर्ति के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर उसे मणि से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, और हालांकि इसके बिना यह शक्ति खो जाती है। हनुमति मीनाक्षी को यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उसका उत्कर्ता है, जिससे स्थितियों पैदा होती है, और जबकि वह शंकिया में रहती है। काशी को अपनी नई शक्ति का एहसास होता है जब मीनाक्षी जगपति से उनके अन्य के बारे में पूछती है, तो जगपति उससे कुश्ती के लिए चुनौती देता है और हनुमूर्ति आगे आते हैं और मणि का प्रयोग करके जगपति को हरा देते हैं और उसे नए पौलागीर घोषित किया जाता है। और हालांकि वह पौलागीर ग्रामीण को समाप्त करने और लोग तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो मीनाक्षी को प्रभावित करता है। माइकल और श्री कॉर्पोरेट सार्वजनिक जिम्मेदारों की आड़ में आनंद अजन नांद्री पहुंचते हैं, जहां माइकल गुप्त रूप से हनुमति को अपनी शक्तियों का खुलासा करने के लिए उकसाने के लिए स्थिति तैयार करता है, लेकिन हनुमति चतुराई में मणि की शक्ति को छुपा लेता है। और बाद में हनुमति को अपनी बहन अंजुमा के बलिदान का एहसास होता है और अधिक जिम्मेदार बन जाता है और उसकी शादी की व्यवस्था करता है। मीनाक्षी के लिए खतरा महसूस करते हुए हनुमति को अचानक श्री द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसकी शक्तियों के स्रोत की मांग करती है। जबकि माइकल दूर से उन पर नजर रखता है और हनुमति भागने के लिए मणि का उपयोग करता है और मीनाक्षी को बचाता है और खुद को उसके बचपन का रक्षक बताता है। वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और एकजुट होते हैं, और हनुमति जगपति को मीनाक्षी से दूर रखने की चेतावनी भी देते हैं, उससे आगामी चुनाव में एक उदार नेता बनने का आग्रह करता है। हनुमंती माइकल के असली इरादों को उजागर करने के लिए उसके शिविर में घुसेट करता है और माइकल आनंद नांद्री को नष्ट करने और मणि को जब्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है। उनके तंबू में आग लगाकर श्री को लगभग मार डालता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने माता पिता की भी इसी तरह मार डाला था। बुजुर्ग ऋषि के वश में हनुमंती माइकल के गुंडे को हरा देता है और अंजुमा की शादी के दिन माइकल बीच में आकर हनुमंती पर अपने प्रतित्व मणि को चुराने का आरोप लगाता है और माइकल को एक नकली मणि देता है, जो माइकल को घायल कर देता है और उसके झूठ को उजागर करता है। जब माइकल के लोग हमला करते तो हनुमंती और अंजुमा खुद को बचाव करते हैं, लेकिन अंजुमा घातक रूप से घायल हो जाती है और दुखी होकर हनुमंती मणि को फेंक देता है और यह मानते हुए कि उसके लिए विफल हो गई है। फिर माइकल गांव में जहरीला धुआं छोड़ता है, जिससे निवासी जम जाते और मीनाक्षी हनुमंती से उन्हें बचाने का आग्रह करती है, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस करता है। बुजुर्ग ऋषि फिर से प्रकट होता है, खुद को विश्वशन के रूप में प्रकट करता और हनुमंती को मणि वापस लेने और माइकल को हराने के लिए प्रेरित करता है। श्री की सहायता से हनुमंती ने बचाया था और
जगपति की सहायता से माइकल की सेना से लड़ते हनुमंती अंत में धुआं फैलाने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन माइकल उससे पकड़ लेता है और एक हेलीकॉप्टर में मनी लेकर भागने की कोशिश करता है और हनुमंती खुद को मुक्त करता है, हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है, माइकल को मार देता है और मनी की शक्ति को स्थायी रूप से अश्वसित कर लेता है। इसके बाद हनुमंती हिमालय निकलते हैं और हनुमंती के सामने प्रकट होता है महायुद्ध की शुरुआत के संकेत होते हैं, क्योंकि विष्णु असुर के उदय और हनुमान की राम के प्रति शपथ को देखते हैं। तो ये था ओवरऑल फिल्म की कहानी एंड जहाँ तक जितनी भी रियल हो सके चीज़ों को बताया एंड काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जानबूझकर चीज़ों को नहीं बताया हुआ है, सो इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बाकी फिल्म की ओवरऑल कहानी है, जो फिल्म की कहानी था ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के ऊपर मैं आप सभी को डिटेल के साथ तो बता चुका आई थिंक, जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हुआ सभी चीज़ों को मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ एंड और कई सारी चीज़ें लाइक कहानी के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके ऊपर भी बात अभी करेंगे, हालांकि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड मूवी से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, सो उसके ऊपर चलिए डिटेल के साथ बात करते हैं, हालांकि सभी चीज़ों के ऊपर तो ऑलमोस्ट बात तो कर ही लिया है। सो फिल्म की कास्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो तेजसा एंड अमृता अय्यर, विनय राय एंड वरलक्ष्मी, शरद कुमार, संयुक्त रेखानी, वैनला किशोर, राज दीपक शेट्टी, शत्या एंड जीतु श्रीनो, रोहिणी नोनी एंड राकेश मास्टर, इसके साथ ही रक्षित। वही कैरेक्टर की अगर बात करें, इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मूवी में जयसो रवि तेजा भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, पर उन्होंने एक कैरेक्टर को लाइक कैरेक्टर तो है लाइक इन द सेंस कैरेक्टर ही कहा जाएगा जयसो, उन्होंने एक कोटी नामक मंकी लिए यानी कि एक बंदर को उन्होंने वॉइस दी है, हालांकि उनकी वॉइस आपको तेलुगु यानी कि मूवी को जब लाइक ओरिजिनल मूवी को देखोगे लाइक ओरिजिनल डब्ड को लाइक ओरिजिनल डब नहीं ओरिजिनल मूवी को, हालांकि हिंदी में तो उनको डब्ड किया गया है, पर अगर आप लोग ओरिजिनल तेलुगु फिल्म को देखोगे तो उसके बाद ही उनके वॉइसेस आप पहचानोगे, अदरवाइज उन्होंने दिया वो उस कैरेक्टर को आवाज, हालांकि फैक्ट्स भी इसको लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में भी लाइक इसको काउंट की जाने चाहिए लाइक मुझे तो लगता है ऐसा। सो कैरेक्टर की अगर बात करें तो तेजसा आपको इस फिल्म में हनुमंती के रोल में नजर आएंगे, वही आपको इस फिल्म में अमृता या अमृता अय्यर इस फिल्म में डॉक्टर मीनाक्षी के रोल में नजर आएंगी, इसके साथ ही विनय आपको इस फिल्म माइकल या फिर मेग मैन के रोल में नजर आएंगे, मेगा मैन के रोल में नजर आएंगे, हालांकि इस फिल्म में मेन एंटेगनिस्ट का रोल है। इसके साथ ही संयुक्त रेखानी इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे और सॉरी वरलक्ष्मी शरद कुमार इस फिल्म में अंजुमा के रोल में नजर आएंगे एंड संयुक्त रेखानी आपको इस फिल्म में विश्वरा के रोल में नजर आएंगे, इसके साथ ही वैनला किशोर डॉक्टर श्रीनिवास के श्रीलिवा के रोल में नजर आएंगे, राजदीपक शेट्टी गजापति के रोल में नजर आएंगे, सत्या आप इस फिल्म में गुणेश्वर राव के रोल में नजर आएंगे, जयत्री सिन्हा इस फिल्म में काशी के रोल में नजर आएंगे, रोहिणी नोनी आपको इस फिल्म में मीनाक्षी का फ्रेंड का बेसिकली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, राकेश मास्टर इस फिल्म में पुली के रोल में नजर आएंगे एंड सुनीथी इस फिल्म में उनका कैमियो और रवि तेजा का कोडी लाइक बंदर का कैरेक्टर को उन्होंने वॉइस दी है एंड परफॉर्मेंस एंड फिल्म की प्री प्रोडक्शन के उसके ऊपर अगर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, जितना लाइक मेरे से होगा उस चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज किसी अन्य वीडियो में लाइक किसी फिल्म के ऊपर जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर लाइक बातें करेंगे इस फिल्म के ऊपर उसी टाइम बातें करेंगे, लेकिन जो रियलिटी जो चीज़ें हैं हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के इंट्रो में भी बताया हुआ था तो ऑलमोस्ट थोड़े बहुत एटलीस्ट ट्राई करूंगा। सो फिल्म की प्री प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर आते हैं तो फिल्म की प्री प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फिल्म की जो कहानी है जब फिल्म की डेवलप स्टेट था जिसको कि स्क्रिप्ट वेला करके एक टीम है उनके द्वारा फिल्म की राइटिंग को लिखा गया था एंड लाइक देख रहे पर जो फिल्म के आइडिया लेवल था वो प्रशांत वर्मा का ही है और जिसके कि एसएस राजा मौली के द्वारा लाइक एडवाइस भी दिया लिया गया था उनसे इस फिल्म को बनाने के लिए। इसके साथ ही अनुदेव गोड़ाहड़ी को ऐसे कृष्ण सौरभ को हायर किया था कंपोजिंग के लिए इस फिल्म में एंड गोड़ाहड़ी को इस फिल्म में म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर के लिए किया गया था, इसके साथ ही साहिब एंड को हायर किया था एडिटिंग के लिए एंड वर्मा को आफ्टर बात करें एडिटर की तो डायरेक्टर की तो डेफिनेटली उन्होंने जॉम्बी रेड्डी फिल्म में काम कर चुके थे तो उनके किया गया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें अदर टेक्नीशियंस की तो सिनेमेटोग्राफर और धराधरी शिंद्रा को किया गया था, फिल्म की प्रोडक्शन डिजाइन के लिए नागेंद्र त्यागो को किया गया था, एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफी के लिए नंदवन प्रवदी को किया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए लंका संतोष को किया गया था
एंड और फिल्म की प्री प्रोडक्शन की बात करें तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिसको कि फिल्म की कास्टिंग फर्स्ट शेड्यूल जो किया गया था ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टूडियो में वेट्टी ना गुलेपल्ली में लोकेटेड था जो कि तेलंगाना में, जो कि ग्रीन स्क्रीन में शॉर्ट्स को लिए गए थे। एंड फिल्म की जो प्रायर फिल्म की प्रोडक्शन है तेजा साय ने अटेंड किया था स्पेशल वर्कशॉप में एंड वाटर ट्रेन फिजिकली इंस्टेंसली उन्होंने कैरेक्टर को किया था। इसके साथ ही फिल्म की अगर बात करें और कई सारे डिटेल्स की, हालांकि फिल्म की जो प्रोड्यूसर थे निरंजन रेड्डी, उन्होंने अप्रोच किया था डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को डायरेक्ट करने के लिए उनके प्रोडक्शन बैनर के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जॉम्बी रेड्डी फिल्म को देखा था एंड जॉम्बी रेड्डी फिल्म सक्सेस भी रही थी। जिसके बाद वर्मा के द्वारा फोर्थ फिल्म की उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 29 मई 2021 को एंड कंसिडर किया गया था बर्थडे में। एंड इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट है लाइक सुपर हिट फिल्म के तौर पर रखा गया था जो कि तेलुगु सिनेमा में होने वाली थी। एंड एक डीसेंट किनौली के इन्होंने इंटरव्यू किया गया था कि ये जो स्टोरी की इंस्पायर्ड होने वाली है हिंदुइज्म के ऊपर होने वाला है। एंड फिल्म की अगर बात करें फिल्म के ऊपर तो फाउंडेड किया था अमेरिकन NRL डिस्ट्रीब्यूशन ने, निरंजन रेड्डी ने, प्राइम शो टाइम ने एंड मेड अप 20 करोड़ बजट था। लेकिन टीजर जैसे लॉन्च हुआ था हैदराबाद में के द्वारा तो रिवील किया था प्रोडक्शन बजट को जो कि इंक्रीज करके लाइक दिया था वैल्यू को एंड बाद में फिल्म के जो फर्स्ट के तौर पर। तो जी हाँ, सो हनुमान फिल्म कैसी है इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ मूवी को रिव्यू किया, मूवी की प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, फिल्मिंग, टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर बात की और साथ ही आपको अगर आपने वीडियो को देखा है तो मैंने आपको कहानी को भी एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से जहाँ तक मेरे से पॉसिबल हुआ। ऐसा नहीं कि मैं काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया हुआ है नेक्स्ट लेवल की तरह नेक्स्ट लेवल वे में बताया हुआ, तो ऐसा नहीं कहूँगा, जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने किया है। अगर आपने वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा। सो आई होप कि आज का हमारा वीडियो आप सभी को पसंद है। अगर आज का हमारा वीडियो अगर आप सभी को पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ उस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर,